हाँ बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है जेनेटिक्स के 1 से लेकर 90 तक के, 1 से 90 तक के जो क्वेश्चन है उनकी उनका डिस्कशन कर लिया है ना। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा उसको जो है चीज़ें जो है वो समझी होंगी। अब 91 से 180 तक के जो क्वेश्चन है इवोल्यूशन से रिलेटेड उनकी बात हम लोग 1 by 1 कर लेते हैं। ठीक है, करें शुरू। तो आओ फिर तो देखें, द अर्ली एटमोसफियर ऑफ आवर अर्थ वाज, हमारी पृथ्वी का शुरुआती जो वातावरण था वो कैसा था। आपको पता है कि शुरुआती जो वातावरण था उस दौरान जो है मुक्त रूप से ऑक्सीजन का मुक्त रूप वातावरण में अनुपस्थित था, और इसीलिए जो वो वातावरण था वो कैसा था, रिड्यूसिंग मतलब अपचायक प्रकार का था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था क्योंकि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, नॉन रिड्यूसिंग गड़बड़ हो गया, नॉन रिएक्टिव जो है इसको इसका हमारा इस ऑप्शन से कोई लेना देना है नहीं, तो हमारा परफेक्ट जो ऑप्शन इसके अंदर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि उस दौरान फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं थी, अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो उसी वजह से जो कीमोजेनेसिस हुआ जिसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह बने और फिर उससे आगे जो है फर्स्ट सेल के निर्माण में फॉर्मेशन में जो है हेल्प मिली, तो अगर उस दौरान फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन होती तो वो उन सब प्रोसेस को जो है कह सकते हैं कि उस प्रोसेस को इंटरप्ट करती, उसको उन बायोमोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देती, उनका ऑक्सीकरण कर देती है ना, तो इसलिए वो जो जितने भी प्रोसेस उस दौरान हुई अगर ऑक्सीजन होती तो वो नहीं हो पाती, तो उस दौरान जो कंडीशन थी वो कैसी थी, रिड्यूसिंग। ठीक है, ओके, Which of the following was most likely absent in free form in the primordial atmosphere at the time of origin of life? कि origin of life के दौरान जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो जो primordial atmosphere था, पुरातन जो वातावरण था, उस दौरान मुक्त रूप में क्या नहीं पाई जाती थी, तो जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया फ्री फॉर्म में क्या नहीं थी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के फ्री फॉर्म में नहीं होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, और उस वजह से ही जो है कीमोजेनेसिस और आगे बायोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाई थी। तो निम्नलिखित में से कौन जीवन की उत्पत्ति के समय आदिम वातावरण में मुक्त रूप में उपस्थित नहीं था, तो ऑक्सीजन जो है उसकी मुक्त रूप नहीं था, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ये मौजूद थी, कैसे थी वो अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है ना, आप लोग एक चीज देखें कि इसका 92 के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 4, कि इनिशियली जब अपनी अर्थ बनी थी तो उस दौरान अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर जो गैसें थी वो कौन कौन सी थी, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम ये मौजूद थी, लेकिन पृथ्वी के कम गुरुत्वीय बल के कारण, लो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और अर्थ के हाई टेम्परेचर के कारण, पृथ्वी के उच्च तापमान के कारण ये जो गैसें थी वो स्पेस में चली गई। उसके बाद में क्या हुआ कि जो अर्थ है उस पर ज्वालामुखी घटनाओं की प्रक्रिया से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मोल्टन मास, जो लावा वगैरह है, वो उच्च दाब के साथ जो है वो बाहर की तरफ ऐसे मुक्त हुआ। तो यहां पर एक चीज जो ही हुई ये क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, और इसकी वजह से जो है वो वातावरण के अंदर क्या मुक्त हुई, जैसे मीथेन मुक्त हुई, अमोनिया मुक्त हुई, CO2 मुक्त हुई, जल वाष्प मुक्त हुई, जल वाष्प रूप में वेपर फॉर्म। ठीक है, और फिर जो सन था उसके प्रभाव से, सन जो लाइट थी उसके अंदर क्या थी, यूवी, सन लाइट के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी उसकी वजह से ये जो जल था इसका ये जल वाटर की स्प्लिटिंग हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन हल्की होती है तो वो स्पेस के अंदर चली गई, स्पेस की तरफ जाना, और फिर जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन रिएक्ट हुई किसके साथ,
इन दोनों के साथ, और यानी इस ऑक्सीजन ने अमोनिया और इस ऑक्सीजन ने जो है वो मीथेन के साथ क्रिया की और फिर उनको किस में चेंज किया, CO2, H2O, नाइट्रोजन और जैसे ये भी CO2 और H2O। और फिर उस दौरान क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था तो जो ज्वाला ऊपर की तरफ से जो उल्का पिंड आ रहे थे मेटियोरॉइड्स, वो सीधा अर्थ की सतह से आकर टकरा रहे थे और अर्थ से टकराने से अर्थ की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और उन बड़े बड़े गड्ढों के अंदर जो लास्ट के अंदर जो वाटर बना वो वाष्प की फॉर्म में था क्योंकि अर्थ का तापमान शुरुआत में ज़्यादा था तो वो वेपर की फॉर्म में था और वो जो वाटर वेपर थी उसका कंडेंसेशन हुआ और बरसात हुई, मूसलाधार बरसात हुई और काफ़ी लंबे टाइम तक वो बरसात हुई और वो पानी फिर उन गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो गया और उससे समुद्र बने। और किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है जल। जी समझ आए आपको? तो सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम थी जो स्पेस में चली गई, उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो क्या मुक्त हुई, मीथेन, अमोनिया, CO2, वाटर वेपर, और उसके बाद में जो सनलाइट थी उसमें जो यूवी थी उसने वाटर की स्प्लिटिंग की, जल को तोड़ा और जल के टूटने से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हुआ, हाइड्रोजन हल्की थी स्पेस में चली गई, ऑक्सीजन ने मीथेन और अमोनिया के साथ क्रिया की और उनको CO2, H2O और नाइट्रोजन वगैरह के अंदर बदल दिया ना, और जो वाटर वेपर बनी बाद में दोबारा इस दौरान वो ठंडी होकर के समुद्र के रूप में अर्थ की सरफेस पे जो है वो स्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। चीज समझ आई आपको? तो आप लोग देखें कि मीथेन भी थी, अमोनिया भी थी, हाइड्रोजन भी थी, लेकिन मुक्त रूप में क्या मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। क्लियर? चले आगे। ऑल द फॉलोइंग थ्योरीज वर गिवन फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सेप्ट, कि किसी एक को छोड़कर के सभी जो सिद्धांत हैं वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है ना। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कई जो सिद्धांत है वो दिए गए थे, जिसमें सुपरनेचुरल क्रिएशन का था, जिसमें फादर सैयरोज ने बताया था, इसके अलावा कैटास्ट्रोपिक क्यूवियर ने बताया था जिसमें जो है प्रलय का सिद्धांत था, इसके अलावा एबायोजेनेसिस था, बायोजेनेसिस था, पेनजेनेसिस था, पेंस्पर्मिया था है ना, और इसके अलावा फिर कीमोजेनेसिस की भी बात हुई थी। तो अलग अलग सिद्धांत जो है वो जीवन की उत्पत्ति के लिए दिए गए थे। तो यहाँ पर आप देखें कि थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया ये जो है अर्ली ग्रीक जो थे उनके थ्रू दिया गया, बताया गया, और इसके अंदर ये बताया गया कि जो लाइफ है वो अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स पे हैं और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जो जीवन है वो स्पोर पेंस्पर्म है ना के रूप में जो है वो गति करता रहता है और उसी को पेंस्पर्मिया जो है सिद्धांत बताया गया है ना। और आज भी कई वैज्ञानिक इस सिद्धांत के फेवर में भी है कि लाइफ जो है वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर गति करती रहती है, ठीक है ना। तो ये तो अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन हेडर वाला ये भी सही है कि ना पहले से मौजूद जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो लाइफ है वो इवोल्व हुई थी और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो इनऑर्गेनिक से जो है वो बने थे ना। तो कीमोजेनेसिस की थ्योरी है ये भी लाइफ के ओरिजिन से संबंधित है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ना जो जीव है उनका अपने आप स्वतः ही उत्पत्ति हुई थी निर्जीव पदार्थों से, कीचड़ में सड़ते हुए कीचड़ घास वगैरह में अपने आप मेंढक का मक्खियों का उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। तो ये भी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है उससे संबंधित है, हालांकि सही नहीं गलत थी लेकिन संबंधित तो है। और बिग बैंग थ्योरी बड़ा धमाका ये नहीं है, ये यूनिवर्स ओरिजिन से संबंधित है, समझ रहे हो? तो आंसर क्या जाना चाहिए, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन, कि जो जीवन है वो किस में उत्पन्न हुआ, और आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो लाइफ है उसके ओरिजिन के लिए किसी भी ग्रह पर जो है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, जल। और मैंने कहा था कि मूसलाधार बरसात हुई और पृथ्वी की सतह पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनके अंदर पानी इकट्ठा हुआ और समुद्र बने और यहीं पर जो है वो जीवन की क्या हुई, लाइफ का क्या हुआ ना। तो आंसर क्या जाना चाहिए, वाटर है ना। बच्चों वाला क्वेश्चन तक सबने सही किया होगा।
है ना, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, जल होगा। Which one is related with evolutionary biology? कि कौन सा विकासवादी जीव विज्ञान, विकासवादी जीव विज्ञान से कौन संबंधित है, एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ है ना पहले पेज पे, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है उसके अंदर हमारी अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है उसकी स्टडी की जाती है। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर जो जीव हैं उनके इतिहास जो है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा गया है, कि पृथ्वी पर जीवन रूप के इतिहास का अध्ययन है ना। तो परफेक्ट ऑप्शन इसके अंदर चला जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन मार्स, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हम लोग जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हालांकि रिसर्च तो मार्स पे भी चल रहा है, लेकिन ये जो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है वो किसके संबंध में लिखी है, अर्थ के न कि मार्स के, इसलिए इस ऑप्शन के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ओनली, नहीं केवल मनुष्य के उद्भव विकास के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए ना, तो इसलिए ये भी जो है वो गड़बड़ हो गया। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ ओरिजिन, अर्थ के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं है ना। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है वो लिखी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो हमारा इसके अंदर जो परफेक्ट ऑप्शन चला जाएगा वो फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। When do we apparently peeping into the past? ये NCERT की लाइन से ही बना हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये मून है, और ये मान लो यहां पर कोई स्टार है। तो आप लोग देखो कि अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो मून और अर्थ के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। इसका मतलब है कि मून से जो लाइट टकरा करके, भाई मून पे सूर्य की लाइट गिरती है सन की, और वो लाइट टकरा करके हम तक पहुंचती है, तो मून से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है उसमें टाइम जो है वो कम लगेगा। और अगर इसकी बात करें तो अर्थ से इस तारे की, इस स्टार की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। और इसका मतलब है कि इस स्टार से जो लाइट अर्थ तक पहुंचेगी उसमें टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए रात्रि के टाइम नाइट में एक क्लियर स्काई में, बिल्कुल साफ आसमान में जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आप लोग देखें कि जिन स्टार, जो स्टार हमें नजर आ रहे हैं वो जो स्टार हैं वो जरूरी नहीं है कि आज बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हो, आज बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अब हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे टकरा करके जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंची है वो काफी टाइम पहले वहां से चलना शुरू हो गई थी और अब हम तक पहुंची है। इसका मतलब इतने लंबे टाइम पहले ही वहां से वो लाइट जो है वो चलना शुरू हो गई थी और अब हम तक पहुंची है, तो अब हो सकता है कि वो स्टार अपनी जगह ना हो, वो खत्म हो गया हो, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि वो लाइट काफी टाइम पहले वहां से चली थी, यानी हम लोग जब तारों की तरफ देख रहे हैं तो हम लोग अपने पास्ट की तरफ देख रहे हैं, जी समझ आई, क्योंकि स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है और उनसे टकरा करके जो लाइट आ रही है और वो टिमटिमाते भी हैं क्योंकि इतने डिस्टेंस पे हैं और उनके बीच में एयर डेंसिटी भी जो है वो बदलती रहती है, तो कभी लाइट ज्यादा थी और कभी लाइट कम आती, तो वो टिमटिमाते हैं और वो लाइट जो है वो काफी टाइम पहले वहां से चलना शुरू हुई थी। लेकिन अगर मून के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें तो मून तो बहुत पास में है और इसका मतलब है कि मून से जो लाइट हम तक आई है वो ताजा आई है, मतलब वो अभी करंटली उसकी जो लोकेशन है वो हमें नजर आ रही है, अब भी मून अपनी जगह है, जी समझ आई, इसलिए एनसीईआरटी ने इसके ऊपर ये बात लिखी है। तो देखें कि when we do apparently peeping into the past, तो क्या होगा, when we do apparently peeping into the past, हम स्पष्ट रूप से अतीत में कब झांकते हैं, पास्ट में कब देख रहे हैं, तो when we look at stars on clear night, बिल्कुल जब हम लोग
क्लियर नाइट में स्टार्स को देखते हैं, अगर बादल होंगे तो दिखाई देगा ही नहीं ना, इसलिए वहां पे लिखा क्लियर नाइट। ठीक है, व्हेन वी लुक एट मून, मून वाला नहीं होगा बेटा, क्योंकि मून की डिस्टेंस जो है वो हमारी अर्थ से कम है, तो उससे जो लाइट आ रही है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी जो उसकी करंट लोकेशन है, करंट जो उसकी पोजीशन है उसी को इंडिकेट करती है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे। व्हेन वी लुक एट बायोडायवर्सिटी ऑफ, नहीं, ये सब ऑप्शन बनाए हुए हैं है ना, तो इनका उस क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सीधा इस की बात इसी चीज के लिए की है। और व्हेन वी लुक एट फॉसिल, फॉसिल आपको कंफ्यूज कर सकता है कि फॉसिल जो हमें मिले हैं तो उनको जब हम लोग देखते हैं तो उनके लिए भी तो हम लोग पास्ट में ही देख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो काफी टाइम पहले बने थे, लेकिन इसके लिए एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया था, फोर वाला, फोर में और फर्स्ट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन दोनों के अंदर अगर आपको चॉइस करनी हो तो आप लोग किसके लिए जाओगे बताओ, इन दोनों में अगर आपको चॉइस करनी हो तो आप लोग मोर अप्रोप्रिएट किसके लिए लगाओगे, ज्यादा सही कौन सा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके लिए एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर फर्स्ट। स्टिलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, देखो कि जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर जो करते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर है ना, मीटर, किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए जो है, वैसे ही जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में जो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जैसे स्टार S1, S2, ये कोई प्लैनेट P1, ये कोई प्लैनेट P2 है ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इस डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो किस में होता है, लाइट ईयर में, इसका मेजरमेंट किस में होता है, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के अंदर है ना, तो इसकी भी चर्चा एनसीईआरटी ने पहले पेज पे कर रखी है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर था फोर्थ। विच वन इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनोखी घटना कौन सी थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति, या हमारे पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति, किसके लिए जाओगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए, या ओरिजिन ऑफ सन, तो एनसीईआरटी ने लिखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति जो है वो एक यूनिक इवेंट है यूनिवर्स के इतिहास का ना, तो सिंपल आंसर था सेकंड। ठीक है, उम्मीद है आप उन किया हो, और फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो, जानकारी के अभाव हुए ना, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से लगाएं है ना, तो 98 के अंदर सेकंड। एज ऑफ यूनिवर्स, सिंपल सा था कि यूनिवर्स जो वो कब बना था, उसकी एज क्या है, तो 20 बिलियन ईयर ओल्ड यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन वर्ष पुराना है, डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, अब जो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो बात समझाई गई थी, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी ने चर्चा की है, और उसके अंदर अलग अलग घटनाएं जो हैं उनको एनसीईआरटी ने लिखा है, उसका ऑर्डर आपसे पूछा है कि पहले कौन सा हुआ था, और उम्मीद है सही किया होगा आप लोगों ने, तो सेलेक्ट एंड करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की घटनाओं के संबंध में एक सही क्रम का आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ था, ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बड़ा धमाका सबसे पहले हुआ था, फर्स्ट में भी दिया है, सेकंड में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है, और लेकिन फोर्थ में हाइड्रोजन हीलियम दे दिया, ये नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हमने बाहर कर दिया। जैसे ही बड़ा धमाका हुआ तो यूनिवर्स जो है वो अपने वॉल्यूम में बढ़ता गया, उसके आयतन में बढ़ोतरी हुई, तो यूनिवर्स एक्सपेंडेड इन वॉल्यूम, यूनिवर्स का आयतन में बढ़ना, टेम्परेचर दे दिया, ये पहले नहीं आएगा, गलत हो गया, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हीलियम दे दिया, ये भी बाद में आएगा, ये भी गड़बड़ हो गया, इसका मतलब एक ऑप्शन हमारे पास बचा फर्स्ट। तो देखें, सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ, फिर यूनिवर्स जो आयतन में बढ़ा, यूनिवर्स एक्सपेंडेड इन वॉल्यूम, और उसके बाद में टेम्परेचर जो था वो डाउन गया, टेम्परेचर कम हुआ,
और उसके बाद में हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। तो ये ऑर्डर एनसीईआरटी ने लिख रखा है और अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। आपको याद रखना कि जब वो बिग बैंग हुआ तो उसकी वजह से किसी भी एटम को बनाने वाले जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो सब बने थे। और उसके बाद में जो है यूनिवर्स का जो वॉल्यूम था वो लगातार बढ़ता गया, बड़ा होता गया, उसके अंदर टेम्परेचर जो था वो डाउन चला गया, और फिर उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। और हाइड्रोजन और हीलियम जो थे वो पृथ्वी बल के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में पास में आए, उससे क्लाउड्स बने, और उन्हीं क्लाउड्स की वजह से जो है यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी बनी, आकाश गंगाएं बनी। और आज आप लोग देखिए कि ये जो अलग अलग गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर G1, G2, G3, G4, आज भी यूनिवर्स जो है वो वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है, आज भी आपका ब्रह्मांड जो आयतन में बढ़ रहा है। और इसका मतलब है कि जो गैलेक्सी हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, जैसे G1 और G2 उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स आज भी आयतन में बढ़ रहा है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसके लिए जो लिखा है वो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। चले आगे। ओके, तो अभी अभी आपको मैंने शुरुआत में ही जो चीज समझाई थी अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए कि पहले कौन सी गैसें थी, फिर कौन सी गैसें उत्पन्न हुई किस क्रिया की वजह से, है ना, और फिर क्या क्या इवेंट हुए। तो आप लोग देखें कि वाटर वाज ब्रोक अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपल सा यूवी रेज फ्रॉम सन। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब अर्थ की सतह पर जो कीमोजेनेसिस के लिए ऑपेरिन और हेल्डेन ने बताया था कि ना कौन कौन सी कंडीशन ने कीमोजेनेसिस को प्रमोट किया था उस दौरान, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और जो लाइटनिंग थी, बिजलियाँ चमक रही थी, और इन और पावरफुल जो सोलर विंड थे, ये सब जो कंडीशन थी उन्होंने कीमोजेनेसिस को इंड्यूस किया, प्रमोट किया, उसमें हेल्प की एक तरीके से, ठीक है ना, कह सकते हैं एक एनर्जी के सोर्स की फॉर्म में। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ने वो कंडीशन प्रोवाइड की जिसमें अच्छे तरीके से जो है वो प्रोसेस हो पाए। लेकिन ऑपेरिन हेल्डेन की कीमोजेनेसिस की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो जो है स्टेनली मिलर ने किया था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने भी अपने लेबोरेटरी के अंदर अर्थ की वो जैसी कंडीशन बताई गई थी कीमोजेनेसिस में वैसी कंडीशन लेबोरेटरी के अंदर क्रिएट की थी, है ना। तो उसी के लिए क्वेश्चन है कि वो क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन लाइक अर्ली अर्थ इन लेबोरेटरी। तो स्टेनले मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट, आपको कंट्री का भी नाम याद रखना है, एनसीईआरटी लिखा है। तो इस तरीके से नीट के अंदर सिंपल ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें साइंटिस्ट की का जो रिलेशन है कंट्री के साथ उसको चेंज किया जा सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन बने हुए भी है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मिलर जो है वो कौन कहाँ के थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, इंडियन थे, रशियन थे, ठीक है। मतलब एक चीज याद रखनी कि साइंटिस्ट के नाम अगर एनसीईआरटी ने जितने भी दिए हैं वो कम से कम आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में अगर साइंटिस्ट के नाम नहीं है तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर दिया है तो आपको याद जरूर करना, क्योंकि नीट में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो देखना है। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसके लिए एनसीईआरटी ने कुछ लाइनें लिखी हैं, क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको उसको देखना है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके लिए। तो कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन, आता है यहाँ पे 3 मिलियन की जगह बिलियन, 3 बिलियन ईयर बैक, इसलिए ये वाला गलत हो गया। फिर अगला है, वर जाइंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए प्रोटीन पॉलीसेक्राइड परफेक्ट ऑप्शन है। बताया गया था कि जो फर्स्ट एसेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो आरएनए प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड जो है उनके बड़े अणु थे, ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, सही ऑप्शन है। फिर डिडंट हैव प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस परहैप्स, कि शायद पुनरुत्पादन का गुण उनमें नहीं था, नहीं की वजह से गलत हो गया, उसमें
जो है रिप्रोड्यूस होने की प्रॉपर्टी शायद थी, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए ये वाला भी यहाँ पर गलत हो गया। और वाज एरोबिक नहीं, इनिशियली जो थे वो एनएरोबिक ही थे, और एनएरोबिक जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर बाद में बदलाव आया जिसकी वजह से वो एरोबिक हुई है ना, तो इनिशियली कोई एरोबिक नहीं था, इसलिए ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो बताओ कौन सा आंसर जाना चाहिए, तो 103 आंसर हो गया सेकंड। ठीक है चले आगे। फिर जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था उसकी स्टडी के लिए एक साइंटिस्ट ने जो है वो काफी प्रयास किया, उसने समुद्री यात्रा की अपने एक जहाज के थ्रू, और उसने अलग अलग कॉन्टिनेंट के फ्लोरा और जो फोना था उसकी स्टडी की, और देखा कि अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पर जो स्पीशीज हैं उनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटीज थी, काफ़ी सारे डिफरेंस थे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसको जो है थॉमस मेल्थस से इन्फ्लुएंस होकर के बाद में दी, है ना, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो इसके बारे में कि उन्होंने इस दौरान कौन से जहाज का उपयोग किया था, और इसका नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो which ship was related with sea voyage of Darwin? Darwin की समुद्री यात्रा से किस जहाज का संबंध था? तो sail ship called HMS Beagle perfect answer। ये sail ship भी NCERT ने जो है use किया है, और इसका मतलब आपको मैं बता दूं कि sail ship का मतलब है कि उस जहाज जो है उसमें बड़े बड़े कपड़ों को use करते हुए जो है ऐसे बड़े बड़े पाल बनाए गए थे, है ना, कि पुराने जहाज होते हैं कि हवा के दाब से जब वो कपड़े पे कपड़ा उस हवा को रोकेगा तो उस डायरेक्शन के अंदर वो फिर आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो उसको सेल शिप कहते हैं। तो सेल शिप कॉल्ड एचएमएस बीगल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल शिप कॉल्ड एमएचएस नहीं था, और क्रूज शिप भी नहीं था, क्रूज शिप तो आज वाले हैं, और कार्गो शिप मालवाहक वाले ऐसे भी जो है नहीं थे, वो छोटा जहाज था, और उस नाम हो जाएगा उसका सेल शिप एचएमएस बीगल। ठीक है वही सही किया होगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज। अब जब डार्विन अलग अलग कॉन्टिनेंट जो थे उनसे होता हुआ उस जो है उन्होंने समुद्री यात्रा की, ऐसे यहाँ से उनका जो जहाज था वो चला और होता हुआ वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से फ्लोरा और फोना का स्टडी करते हुए लास्ट में गैलापागोस आइलैंड तक आया। तब उन्होंने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न केवल सिमिलरिटीज समानताएं प्रदर्शित करते हैं दूसरे लिविंग से, और अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे जीवित जीव से वो समानता प्रदर्शित अगर कर भी रहा है तो इसका मतलब है कि उनके पूर्वज कॉमन रहे होंगे, उनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिमिलरिटी शो नहीं करता है, वो पास्ट में जो लिविंग कंडीशन में थे और अब ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, फॉसिल के फॉर्म में हैं, उनके साथ भी वो सिमिलरिटी शो करते हैं, तो लिविंग से भी और जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे उनके साथ भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ, न केवल खुद से, बट ऑल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, है ना, तो ये वाला आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने इसके लिए ये लाइन नोट कर रखी है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली अमंग देमसेल्फ केवल अपने साथ नहीं, ओनली विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर अगो केवल उनके साथ जो मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट कर रहे थे नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर दे डू नॉट शो एनी सिमिलरिटीज विद एनी, कि वो किसी के साथ कोई सिमिलरिटी शो नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी कॉमन एंसेस्टर से वो लोग हैं वो आपस में जरूर सिमिलरिटीज शो करते हैं ना, तो अपना यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है चले आगे। ओके अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा कि द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद, कि अर्थ की जो भौगोलिक इतिहास है वो किसके साथ घनिष्ठता से संबंधित है। आप लोग देखें कि अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट को देखें, अर्थ की जो चट्टाने देखें, तो उसके अंदर अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स बनी होती हैं,
और अगर इनका क्लोज लुक अगर हम लोग लें तो जैसे एक रोक ये जो सबसे ऊपर की तरफ है नई रोक है, एक रोक नीचे, फिर एक और नीचे और फिर एक और नीचे। मान लो ये रोक वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर है, और ये टाइम टी वन पर बनी, ये टाइम टी टू पे बनी, ये टाइम टी थ्री पे बनी और ये टाइम टी फोर पे बनी। ठीक है, ये पास्ट है और ये आज का टाइम है। और आपको देखें कि जब इन अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स की जीवाश्मों का अध्ययन किया गया तो इसके अंदर जो फॉसिल्स जो मिले वो कम थे और थोड़े सिंपल थे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते गए फॉसिल जो है उसके अंदर जटिलता बढ़ती गई, फॉसिल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, फॉसिल्स का नंबर बढ़ता गया, फॉसिल जो थे जीवाश्म जो थे उनकी संख्या बढ़ती गई, नंबर बढ़ता गया, जटिलता बढ़ती गई। तो जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं फॉसिल का नंबर बढ़ता जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनकी जटिलता ही बढ़ती जाती है, क्योंकि उद्विकास के दौरान जो जीव थे वो सरल से जटिल हुए थे, है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म थे वो कॉम्प्लेक्स वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुए और नंबर भी उनका बढ़ता गया क्योंकि बायोडाइवर्सिफिकेशन हुआ। लेकिन ऊपर से जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो थे वो सिंपल होते गए, फॉसिल सिंपल होते गए और उनका नंबर भी कम होता गया। तो आप लोग देखें कि अगर हम लोग अर्थ की इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री की अगर स्टडी करें तो हमें बायोलॉजिकल हिस्ट्री का भी पता लग जाता है। तो क्या आंसर जाना चाहिए, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद केमिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मार्स, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स और बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये देखो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये देखो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो अर्थ की है कि टाइम टी वन पर ये रोक बनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, टाइम टी टू पे ये रोक बनी ये चट्टान बनी, टाइम टी थ्री पे ये चट्टान बनी और टाइम टी फोर पर ये चट्टान बनी, तो ये जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जैविक इतिहास कि पृथ्वी के टाइम टी वन पर जो रोक आर वन बनी उसमें ये जीव है, पृथ्वी के टाइम टी टू पर जो रोक आर टू बनी उसमें जीव ये है, पृथ्वी के टाइम टी थ्री पर जो रोक आर थ्री बनी उसमें जीव ये है, और पृथ्वी के टाइम टी फोर पर जो जीव थे उनके फॉसिल इस प्रकार से है। तो क्या आंसर जाना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर, और यही एनसीईआरटी ने लिख रखा है। इसमें केवल जैसे प्लांट्स की बात हो गई है, हालांकि जीव तो ये भी है, लेकिन परफेक्ट जो है वो अपना ये हो जाएगा, मार्स का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है, इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर हो जाएगा। दो तीन ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कन्फ्यूज करें, लेकिन आपको तो सबसे एक्यूरेट जिसको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, जो सबसे परफेक्ट सही है उसकी तरफ जाना है, तो आंसर हो जाएगा अपना फोर, और यही एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है। चले आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहां पर गलत स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। ओके, अर्थवाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक, बिल्कुल सही कि जो माना जाता है कि पृथ्वी का जो निर्माण है 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था, सही भी है, करेक्ट है। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्लियर, बिल्कुल सही है, शुरुआत में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बाद में जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तब वो मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, CO2 वगैरह मुक्त हुई थी, लेकिन शुरुआत में तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था ना, तो ये वाली लाइन भी हमारे यहाँ पर सही है, ट्रू है। वाटर वेपर, ये अब ये देखो वो वॉल्केनिक इरप्शन वाली बात हुई जो मैंने आपको समझाई थी कि वाटर वेपर मुक्त हुई थी, जलवाष्प, मीथेन मुक्त हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई थी, बच गई कौन, अमोनिया, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी, नाइट्रोजन, ये रॉन्ग हो गया, इसकी जगह क्या आनी थी, अमोनिया रिलीज हुई फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस, जिसने सरफेस को कवर कर लिया, जी समझ आई, एनसीईआरटी लाइनें हैं, लेकिन यहाँ
इस नाइट्रोजन की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ देखें, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 500 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, या आज से 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ के ऊपर लाइफ की उत्पत्ति हुई। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आंसर आपका क्या जाना चाहिए, फॉल्स पूछ रहे, इनकरेक्ट, तो 107 के अंदर आंसर हो जाएगा। चले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हैज थ्री कोनोटेशन, विशेष सृजन के सिद्धांत के तीन अभिधान अर्थ है ना। फादर स्यूरेज ने इस थ्योरी को दिया था, हालांकि एनसीईआरटी ने उनका डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ये कुछ जो बातें हैं उससे संबंधित लिखी हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर ने अर्थ जो है उसका निर्माण किया था ना। तो इसमें देखिए कि बताया गया कि उस टाइम जब प्रजातियां बनी तो वो प्रजातियां आज भी वैसी की वैसी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थ की बायोडायवर्सिटी वैसी की वैसी है। तो देखें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीशीज दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, कि आज हम जो स्पीशीज देख रहे हैं, जो बायोडायवर्सिटी देख रहे हैं, वो वैसी की वैसी बनी हुई थी। कि मान लो 1 करोड़ साल पहले सारी प्रजातियां बन गई और वो प्रजातियां आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत सिंपल से जीव जो थे वो कॉम्प्लेक्स होते गए थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दौरान। ये एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ के ऊपर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्रिएट हुई है। चीज समझ आई आपको? तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका परफेक्ट है कि संसार में आज जितने भी जीव और प्रजातियां विद्यमान हैं वो सब ऐसे ही सृजित हुई है। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन वास्तव में सही नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है। डायवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, कि जो डायवर्सिटी है जैव विविधता है वो निर्माण से लेके अब तक वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया और आगे भी वो वैसी ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन तो हमेशा बढ़ता गया है ना, और बीच बीच में जो है मास ऑफ एक्सटेंशन भी हुआ है, जिसमें बड़े बड़े उल्का पिंड या अन्य प्राकृतिक घटनाओं की वजह से बहुत सारे जीव मारे भी गए थे। हम लोग इवोल्यूशन में ये कह नहीं सकते ना कि हमेशा ऐसा ही होगा, हो सकता है कुछ अलग घटना घटित हो जाए, चीज समझ रहे हो? तो इवोल्यूशन के लिए हम लोग कह नहीं सकते कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा, आगे इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी परफेक्ट हो गया। फिर अर्थ इज अबाउट 3000 ईयर ओल्ड, नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी ने 4000 ईयर यूज किया है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग हो जाएगा। और हमें क्या देख रहे हैं, चूज द राइट ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन के साथ उचित विकल्प। तो बेटा क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड ओनली, फर्स्ट ही आंसर हमारा हो गया, सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, थर्ड जिसमें भी है थर्ड गलत, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये जो है लेमार्क के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाया है, लेमार्क ने बताया था कि जीव जिस अपने शरीर की संरचना को अंग का उपयोग नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, वो जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसको यूज करेगा वो बढ़ता जाएगा। तो उस रेस्पेक्ट में आपको इसमें देखना है कि हम लोग हमारे शरीर के अंदर किस स्ट्रक्चर को अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो वो लेमार्कियन व्यू के अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर हमारे अंदर डिसअपीयर नहीं होगी। हमारी बॉडी एयर है, तो बॉडी एयर एक प्रकार का हमारा एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल एक कंपोनेंट हमारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों का पूरा शरीर हेयर ही था और अब हमारे शरीर के कुछ हिस्सों पर बाल रह गए हैं, तो एक तरीके का वेस्टिजियल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। तो बॉडी हेयर हो सकता है आगे वाले आने वाले फ्यूचर के अंदर ये खत्म हो जाए, इतना रोल हमारे बॉडी में इनका नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि विच वन इज नॉट लाइकली टू डिसअपीयर इन फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैन एज पर लेमार्कियन व्यू, कि निम्न में से किसके लेमार्क के दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य की भावी पीढ़ियों में गायब होने की संभावना नहीं है। तो ऐसा देख रहे हैं जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका हमारे शरीर में ज्यादा यूज है, तो ये हो सकता है विजडम टूथ, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हमारी है ना मोलर,
थर्ड मोलर, और ईयर ऑसिकल को तो हम लोग यूज करते हैं ना, ये तो साउंड के ट्रांसमिशन में आगे इन्वॉल्व है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे, और उसको एम्पलीफाई भी करते हैं, तो इसका तो यूज है, और ये फ्यूचर में गायब हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ईयर मसल्स जो ऑरिकुलर मसल्स हैं वो हमारे वेस्टिजियल फीचर है, जो वेस्टिजियल फॉर्म में होने के कारण हम लोग ईयर पिन्ना को मूव नहीं कर सकते, ईयर पिन्ना की गति नहीं होती है ना। तो हो सकता है ये जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इन फ्यूचर डिसअपियर हो जाए, लेकिन ईयर ऑसिकल जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आप लोग देखो कि ए बायोजेनेसिस जो था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें बताया गया कि एक निर्जीव सड़ते हुए कीचड़ और घास वगैरह से अपने आप जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, रेड्डी, स्पेलेंजानी और आपका लुइस पाश्चर। रेड्डी ने दो फ्लास्क लिए थे, एक ऊपर से बंद था एक खुला था, और उन फ्लास्क के अंदर रेड्डी ने जो है वो मीट लिया था, और जो ऊपर से खुला था उसके अंदर जो है मैगट विकसित हो गए थे, मक्खी के लार्वा, और जो बंद था उसमें विकसित नहीं हुए। अब अगर उस फ्लास्क के अंदर जो मीट था उसमें लार्वा विकसित हो गए अपने आप, तो फिर तो क्लोज वाला जो था उसमें भी होना था, अगर अपने आप हो रहा है, क्लोज वाले में तो नहीं हुआ जो ऊपर से बंद था। इसका मतलब है कि जरूर एयर में कुछ था जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके वहां पर नई लाइफ, मतलब वहां पर लार्वा, मक्खी के लार्वा, मैगट विकसित हुए, ऐसा जो है वो रेडी ने प्रयोग किया था। स्पेलेंजानी ने भी ऐसा ही कुछ किया, उन्होंने भी दो फ्लास्क लिए, दोनों के अंदर मीट रखा, एक कॉपर से क्लोज किया, एक ओपन टू एयर, डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में था, और कुछ टाइम बाद देखा कि जो ओपन था उसमें कंटामिनेशन आ गया, उसमें वो दूषित हो गया, उसमें जीवाणुओं की ग्रोथ हो गई, और जो बंद था उसमें जीवाणु ग्रोथ नहीं हुई। अगर अपने आप बैक्टीरिया बनते तो फिर तो जो क्लोज था उसमें भी होना था, उसमें तो नहीं बने। इसका मतलब है कि लाइफ अपने आप उत्पन्न नहीं होती, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही उत्पन्न होती है। लुइस पाश्चर ने इसके लिए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने भी दो जो है स्वान नेक वाले फ्लास्क लिए, एक डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में था और एक नहीं था, और उनमें इष्ट को लेकर के मारा, इष्ट का एक सॉल्यूशन बनाया, किल्ड इष्ट, और जो मुड़ी हुई गर्दन थी उसके अंदर कुछ टाइम बाद देखा कि उसका जो सॉल्यूशन था इष्ट वाला वो अब भी स्टेरलाइज था, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आया, क्योंकि मुड़ी हुई गर्दन के कारण एयर के जो माइक्रोब्स थे वहां तक नहीं पहुंचे, और जो सीधा ओपन टू एयर जो फ्लास्क था उसके का डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में होने के कारण उसमें जो इष्ट का सॉल्यूशन था वो कंटामिनेट हो गया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हालांकि चर्चा केवल लुइस पाश्चर के लिए की है, तो उसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है कि हाउ लुइस पाश्चर डेमोंस्ट्रेट दैट लाइफ कम फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जिससे उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया था। तो पहला ऑप्शन देखिए, ही सो दैट द प्री स्टेरलाइज फ्लास्क, मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले उस फ्लास्क को अच्छे से स्टेरलाइज किया था, हो सकता है उसकी सतह में जीवाणु चिपके हुए उनको मार दिया गया स्टेरलाइज करने से, हो सकता है वो हीट से किया हो, वेपर से किया हो, है ना, तो इसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन। और जब भी स्टेरलाइजेशन किया जाता है तो वो जो फ्लास्क है उसकी आंतरिक सतह पूर्ण रूप से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई माइक्रोब के रूप में उससे मुक्त हो जाती है। तो ही सो दैट प्री स्टेरलाइज फ्लास्क Life did not come from killed yeast. इसके अंदर जो killed yeast लिया था वो pre-sterilized था, उसके अंदर लाइफ जो थी वो उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि जो नेक थी वो मोड़ी हुई थी, तो एयर से बैक्टीरिया यहीं तक पहुंचे, यहाँ तक नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो ये वाला तो सही है, ऐसा हुआ था। और क्या लिया, he saw that in flask open to air, ये वाला open to air, life did not come from killed yeast. इसमें तो लाइफ आ गई थी क्योंकि ये सीधा एयर के कॉन्टेक्ट में था, तो ये वाला तो गड़बड़ हो गए नोट की वजह से, है ना। फिर ही सो दैट लार्वा की चर्चा उन्होंने नहीं की थी, एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा भी नहीं है। लार्वा के लिए आपको मैंने कहा था कि जो रेड्डी थे उन्होंने वर्क किया था, और माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। स्टोर्ड मीट का मतलब है कि मीट जो है उसको स्टोर करके पैक कर दिया हो उसके अंदर, तो ऐसा भी पाश्चर ने
कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। पास्टर ने तो ये बातें की थी, इसके अंदर नोट लग गया इसलिए गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन का जो है उसको समझ के आंसर सही लगाया होगा। चलो चले आगे। Who proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules? Chemogenesis, Oparin and Haldane. ठीक है ना? तो लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि जो Oparin थे वो रशिया के थे और जो Haldane थे वो इंग्लैंड के थे, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी। कोई एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, अर्ली ग्रीक थिंकर ने उनसे रिलेटेड नहीं थे, है ना? तो सिंपल सा आंसर इसका आपको चला जाएगा सेकंड। अब आप देखें कि एनसीईआरटी ने ये जो लाइन लिखी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके नेक्स्ट जो है उन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है कि द सेलेक्ट सम pre-existing non-living organic molecules, उसी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे वो क्या था? प्रोटीन था लेकिन मिनरल के बारे में नहीं, आरएनए था लेकिन CO2 नहीं, आरएनए प्रोटीन बिल्कुल सही है, आरएनए प्रोटीन लेकिन अमोनिया नहीं। तो आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। Which of the following is correct about Miller experiment? Miller ने Oparin Haldane की जो hypothesis थी उसको experimentally prove करने के लिए जो है वो work किया था। उन्होंने दो flask लिए थे, एक के अंदर water को गर्म किया था 800 degree centigrade पे, वो water vapor circulate होते हुए दूसरे chamber में आई gas chamber, उसके अंदर उस एक तो water vapor आ गई, methane, hydrogen और ammonia। मीथेन और हाइड्रोजन को 2:2 के रेशियो में, अमोनिया को 1:1 में लिया, 2:2:1 है ना। और इसके अलावा वहाँ पर 75,000 वोल्टेज क्रिएट किया गया एनर्जी के लिए और इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न हुए जिससे ऊर्जा मिली है ना, और वो इलेक्ट्रोड जो ऊर्जा का स्रोत है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। और फिर वो रिएक्शन हुई और कंडेंसर से वो गैस नीचे जो कंडेंस होकर के उस यू सेपरेट ट्यूब के अंदर इकट्ठा हुई है ना, और वहाँ पर उनको एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ अमीनो एसिड मिले जैसे ग्लाइसिन, एलेलिन और एस्पार्टिक एसिड वगैरह ना। तो ये सब उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। देखते हैं क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिलर एक्सपेरिमेंट। ओके, ही सर्कुलेटेड हाइड्रोजन, सही है, अमोनिया सही है, मीथेन सही है और वाटर वेपर परफेक्ट। हाइड्रोजन 2, अमोनिया 1 और मीथेन 2 के रेशियो में उन्होंने लिया। रेशियो याद रखना, वैसे एनसीईआरटी दिया नहीं है, फिर भी आपको ये चीज याद रखनी। तो पहला परफेक्ट है, ही मेंटेन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड एनसीईआरटी ने लिखा है। ही ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट नहीं, उन्होंने तो एमिनो एसिड ऑब्टेन किए थे, कौन से? जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, ना? तो ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया। और he used UV नहीं, electrodes को use किया था, और electrodes जो थे उनके अंदर sparking कराई, उससे जो है वो energy create हुई थी। ठीक है, उन्होंने control भी लिया था इसके साथ में, और उस control में मतलब ऐसा ही operator साथ में वो रखा, उस control में electrode नहीं लगाए, और फिर दोनों experiment पूरे 20 दिन तक हुआ, और लास्ट में पता लगा कि जिसमें एनर्जी का सोर्स नहीं था उसमें लास्ट में प्रोडक्ट मिला ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मिलर के कंट्रोल अपरेटस के अंदर क्या नहीं था, तो उसमें आंसर देना है ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रोड नहीं था, मेन अपरेटस में था लेकिन। ठीक है, तो क्या आंसर जाना चाहिए आपका? फर्स्ट 1:1:3 के अंदर ही सर्कुलेट हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर। The first form of life arose, कि जीवन की का जो पहला रूप है वो कैसे उत्पन्न हुआ? बिल्कुल तेजी से या धीरे धीरे? देखा है इसके लिए भी एनसीईआरटी ने, आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। तो देखते हैं कि वेरी फास्टली नहीं, जितना भी फास्टली है ना उसको तो हटा दो आप लोग, ये स्लो प्रोसेस होती है। तो हो जाएगा
स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस, बिल्कुल विकासवादी बलों के माध्यम से धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ था, ठीक है ना। तो आंसर अपना परफेक्ट हो जाएगा थर्ड। ये क्यों नहीं हुआ, स्लोली थ्रू नॉन इवोल्यूशनरी दे दिया ना, इस वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, चले आगे। तो जो गैलेक्सीज होती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, मान लो ये गैलेक्सी, तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम बने थे और हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर इलेक्ट्रो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और उसकी वजह से क्लाउड्स बने, बादल बने, और उन्हीं बादल की वजह से क्या बनी गैलेक्सी, आकाशगंगाएं। तो गैलेक्सी कंटेन, गैलेक्सी में क्या है, उसमें क्लाउड्स ऑफ डस्ट, डस्ट से बने बादल, बिल्कुल सही है। उसमें स्टार्स, तारे भी हैं, गैसेस भी, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने इसके लिए लिख रखा है। तो देखो कि कीमोजेनेसिस के अंदर ओपेरिन और हेल्डेन ने जो बातें बताई, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि इनिशियली फ्री एटम स्टेज थी, फ्री एटम्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और फिर जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इसके अंदर जैसे मैं कहूँ CO2, H2, NH3, हाइड्रोजन, ये सब बने, और फिर इन और इनऑर्गेनिक के इंट्रेक्शन से जो है वो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक बना, और वो कौन था, मीथेन अमोनिया। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बने थे वो कौन से थे, मीथेन और अमोनिया, और सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने थे वो कौन से थे, तब आंसर देना है अमोनिया, सॉरी गड़बड़ गड़िया बने वहां पे अमोनिया नहीं, सॉरी, या सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बने थे वो अमोनिया और वाटर था, और फिर जो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था वो मीथेन के साथ कौन सा था, हाइड्रोजन साइनाइड, HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा क्वेश्चन बनता है, फिर इनसे जो है वो सिंपल मोनोमर बने, मोनोमर ऑर्गेनिक मोनोमर जैसे एमिनो एसिड, इसके अलावा जैसे फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज वगैरह ना, और इनके आपस में फ्यूजन से जो है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर बने, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, हालांकि लिपिड जो है उसको पॉलीमर कहना सही नहीं आता, उन्होंने बड़ा बायोमॉलिक्यूल में, तो इन सब के इंट्रेक्शन से फिर इन प्री एग्जिस्टिंग जो यूज किया है ऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सब्सटेंस बने, ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इनसे फिर कोलोइडियल पार्टिकल बना, और फिर वो जो कोलोइडियल पार्टिकल था वो फर्स्ट सेल में इवोल्व हुआ। चीज समझ आई, तो आप लोग देखें कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं, सबसे पहले आना चाहिए इनऑर्गेनिक, और फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल, और फिर कोलोइडियल एग्रीगेट्स, जिसको जैसे कोएसर्वेट वगैरह की संज्ञा दी जा सकती है ना, कोएसर्वेट जो है उसमें हम लोग जिसको जैसे प्रोटोबायोंट बोल सकते हैं, और प्रोटोबायोंट में कोएसर्वेट और आपका माइक्रोस्फीयर होता है ना, तो उसी की चर्चा यहाँ पे हुई है। तो कोलोइडियल एग्रीगेट किस में चेंज हो जाएगा, सेल के अंदर, तो ये वाला जो है यहाँ पे परफेक्ट मैच हो गया आपका सेकंड। ये देखना, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, और ऑर्गेनिक से सेल बनी, और फिर कोलोइडियल, नहीं ये इधर आता और ये इधर आता, गलत हो गया, पहले ऑर्गेनिक नहीं बनता, पहले इनऑर्गेनिक था ना, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चले आगे। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वर
सबसे पहले जो बने थे वो कैसे थे? तो देखो, ये सबसे पहले जो थे वो प्रोकैरियोट बने थे, प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें भी वो कैसी थी, एनएरोबिक मैरीन कीमो हेटेरो ट्रॉफिक, है ना, एनएरोबिक मैरीन और कीमो हेटरोट्रॉफिक, वो अपने आसपास प्री फॉर्म्ड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसी को जो है उपयोग में लेकर के एनर्जी ले रहे थे। और फिर क्या हुआ, जब उनका नंबर बढ़ा तो इससे फूड की अमाउंट कम हो गई, कंपटीशन हो, तो कुछ सेल जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो गए, ऑटो कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे इसको, कीमो ऑटोट्रॉफिक। इन्होंने क्या किया कि बाहर जो इनऑर्गेनिक था उसको अपटेक किया और अपने कुछ स्पेसिफिक एंजाइम से उसको ऑर्गेनिक में चेंज करके उनसे एनर्जी ली। फिर कुछ इवॉल्व हुए फोटोट्रॉफिक में, फोटो ऑटोट्रॉफिक में, और फोटोट्रॉफिक में जो सबसे पहले बने वो किसको यूज कर रहे थे, H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर। जो बैक्टीरिया फोटोट्रॉफिक थे वो शुरुआत में H2S को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूज कर रहे थे। आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की एक सर बताया, वहां पर हाइड्रोजन डोनर सी जैसे ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन, है ना, और लास्ट में सॉरी ऑक्सीजन नहीं सल्फर। तो शुरुआत में जो फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो थे वो H2S को यूज कर रहे थे, यानी अब तक भी कंडीशन जो थी वो रिड्यूसिंग ही थी, ऑक्सीजन क्रिएट हुई नहीं थी। और फिर इनके जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल था उसमें मॉलिकुलर बदलाव आया म्यूटेशन की वजह से, और वो जो था क्लोरोफिल उसमें बदलाव के बाद वो अब H2S की जगह H2O को यूज करने लग गया, है ना। तो फिर जो फोटोट्रॉफिक हुए फोटोट्रॉफिक बने, उन्होंने जो है H2O को यूज किया, और जैसे साइनोबैक्टीरिया BG, और इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज हुई, और फ्री जो मीथेन अमोनिया थी उसको CO2H2 नाइट्रोजन में चेंज किया, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो देखें फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वर साइनोबैक्टीरिया नहीं, ऑटोट्रॉप्स नहीं, फोटोट्रॉप्स नहीं, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, ये देखो तो आंसर हो जाएगा आपका 4। चले आगे, the naturalist who worked in Malay archipelago and made almost similar conclusion like Darwin was, कि वह प्रकृति वैज्ञानिक जिसने मेले आर्किपेलेगो टापू में डार्विन के समान ही कार्य किया और वैसे निष्कर्ष निकाले। तो सिंपल सा एनसीईआरटी चर्चा की, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ठीक है, डार्विन ने बताया कि जो जीव फिट होगा अच्छी वेरिएशन के कारण प्रकृति उसका चुनाव करेगी, नेचर उसका सिलेक्शन करेगी, और अगर नेचर ने उसका सिलेक्शन किया तो सिलेक्ट होने के बाद में वो रिप्रोड्यूस होगा और अपनी अच्छी वेरिएशन को अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस होगी वो होगी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि वो जीव जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, जो बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, नेचर उसका सिलेक्शन करेगी। आपको याद रखना है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जननीय योग्यता। तो पैरासाइट होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें फीमेल जो होती है जैसे टीनिया है, एस्केरिस है, उसमें जो काफ़ी सारे एग जो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं लाखों के अंदर, है ना, ताकि उनका लाइफ साइकिल जो वो आगे अगले होस्ट के अंदर जाने में लार्वा को मदद मिल पाए। अगर लो नंबर में होगा तो फिर तो उनका लाइफ साइकिल जो है सेकेंडरी होस्ट के मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो एंडोपेरासाइट होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। What was the term given by Darwin for the difference in characteristics? लिख रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ डिफरेंस पाया जाता है,
उनमें सिमिलरिटीज के साथ साथ डिफरेंस भी पाया जाता है, और वो जो डिफरेंस होता है उसको डार्विन ने क्या नाम दिया था, वेरिएशन, विभिन्नता, ठीक है। सेलेक्ट एंड करेक्ट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म का उसके लिए सही देखना है, पर आपको पता कि जो एवोल्यूशन है वो एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक लंबे टाइम से चली आ रही उद्विकासीय प्रक्रिया की वजह से आज हमारे सामने इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। जी समझ आई? तो देखें कि देयर हैज बीन ए फास्ट इवोल्यूशन, नहीं, इवोल्यूशन फास्ट नहीं है, देयर हैज बीन ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन, बिल्कुल ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक रूप से जो उद्विकास हुआ है ये पर फिर जा सकता है। इवोल्यूशन वॉज रैपिड, नहीं, रैपिड नहीं होगा। There has been always rapid, नहीं, ये भी गलत हो गया, तो अपना परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। होमोलोगस और एनालोगस, सिंपल सा है, आपको पता है कि ऐसे ऑर्गन जिनकी उत्पत्ति, जिनकी संरचना समान हो लेकिन अलग अलग वातावरण में अनुकूलन की वजह से उनको अपनी समान संरचनाओं का अलग अलग कार्य के लिए उपयोग में लेना पड़ा, ऐसे ऑर्गन जो हमको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, अब सारी उद्विकास से। दूसरी तरफ ऐसी संरचनाएं, ऐसे ऑर्गन जिनकी उत्पत्ति, जिनकी संरचना अलग अलग हो लेकिन कॉमन एनवायरनमेंट में अनुकूलित होने के कारण उनको अपनी अलग अलग संरचनाओं का एक जैसे कार्य में उपयोग में लेना पड़ा, ऐसी संरचना को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, समवृत्ति संरचनाएं, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनी है, अपसारी, और ये होगा अभिसारी, ठीक है। चलो तो आप लोग देखिए कि सेपरेट द फॉलोइंग इंटू एनालोगस एंड होमोलोगस, इनको जो है समरूप और समजात के अंदर आपको अलग अलग करना है। तो देखिए, फोर लिंब ऑफ व्हेल, वेट, चित्ता, मैन, व्हेल, चमगादड़, चित्ता और मनुष्य के जो अग्र पाद हैं ये होमोलोगस में आते हैं। स्वीट पोटेटो और पोटेटो एनसीईआरटी लिखा है, ये क्या है, एनालोगस। ऑक्टोपस और मैमल की जो आईज हैं वो भी क्या है, एनालोगस। और पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर है उनके लिए भी एनसीईआरटी लिखा है, एनालोगस। और वर्टिब्रेट्स के जो हर्ट हैं आपस में, फिश से लेकर के मैमल तक, वो होमोलोगस होते हैं, हालांकि उनके हैबिटेट और उनके इवोल्यूशनरी स्केल के थ्रू स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा जरूर वहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन इन सब जो ये सब जो हैं फिश से लेकर के मैमल तक ये होमोलोजी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा हर्ट भी तो शुरुआत में 2 chambered था, फिर 3 chambered हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, फिर वो 4 chambered हुआ, क्योंकि हम लोग हमारे इवोल्यूशनरी पाथ को रिपीट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो ये वाला जो है, और वर्टिब्रेट्स के जो ब्रेन भी फिश से लेकर के मैमल तक, ये भी होमोलोजी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया होमोलोगस। तो देखना, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हो गया एनालोगस, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एनालोगस ये वाला, और फर्स्ट और फिफ्थ होमोलोगस, फर्स्ट और फिफ्थ होमोलोगस, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकंड, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी का ही फिगर है, इसमें ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है आप लोग देखें बोगनवेलिया के अंदर थॉर्न, और कुकरबिट्स के अंदर टैंड्रिन, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर के जो है वो एग्जाम्पल है, इनकी स्ट्रक्चर, इनका ओरिजिन जो वो सिमिलर लेकिन फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर भी ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके फोर लिम्ब की जो बोन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अपसारी उद्विकास के थ्रू ये जो है अलग अलग हैबिटेट में इवोल्व हुए हैं ना, अलग अलग फंक्शन के लिए, तो परफेक्ट हो गया फर्स्ट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा, वो तो अलग अलग एंसेस्टर से एक कॉमन हैबिटेट के अंदर होता है, वो इसका नहीं है। और एनालोगस ऑर्गन इसका रिजल्ट है, और होमोलोगस ऑर्गन इसका रिजल्ट है, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो बोथ टू एंड थ्री भी नहीं होगा, इसका मतलब आंसर हमारा इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होमोलोगस है, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो एनालोगस है।
The paleontological evidence are obtained from, paleontological evidence जो है फॉसिल से रिलेटेड होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए होमोलोग स्ट्रक्चर, एनालोग स्ट्रक्चर, लाइके नहीं, फॉसिल जो है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। पैलेंटोलॉजी फॉसिल के जो स्टडी है उससे रिलेटेड होती है, तो इसमें परफेक्ट सिंपल डायरेक्ट आंसर थर्ड जाएगा। अब इसके लिए एनसीईआरटी ने जो है इन क्वेश्चन के लिए लिखा है, और ये आपको एनसीईआरटी में शुरुआत में मिलेगा जी, समझ रहे हो, तो शुरुआत में आपको इसको जो है समझना पड़ेगा। तो लिखा है कि द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन और फिर उनका आगे वो कैसे इवोल्व हुए वो सब, ऑन इज कि द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानेट अर्थ, हमारी अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी वो है। तो देखें कि जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं ना, स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की, फिर उनके एवोल्यूशन की, तो हमें फिर यूनिवर्स के ओरिजिन, उसमें जो स्टार्स हैं, अर्थ का ओरिजिन, उन सब की बात करनी पड़ती है, उन सब के रेस्पेक्ट में ये सब चीज़ आती है। एनसीईआरटी ने ये चीज़ लिखी भी है। तो देखें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, बिल्कुल यही परफेक्ट लाइन एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है कि पृथ्वी के विकास और स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ ये सन्निहित है, ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग नहीं है, और जब भी उसकी बात की जाएगी तो इनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ओनली नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स नहीं, ओनली लगा दिया नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मून एंड यूनिवर्स नहीं, है ना, मून की वजह से रॉन्ग हो गया। तो आंसर हो जाएगा अपना इसके अंदर फर्स्ट, ठीक है। वही उसी कॉन्सेप्ट पे आई भी अभी जो पहला बताया था, ये वाला जो है इसी के पास में इसकी एनसीईआरटी ने चर्चा की है। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा, मतलब प्लांट्स, एंड फोना, मतलब जंतु, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वनस्पति और प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए हमें किसके बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है ना, अभी ये भी बताया। तो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन इट, पृथ्वी की उत्पत्ति और उस पर जीवन की उत्पत्ति, इसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स इसके बारे में, और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इसके बारे में, इन सब के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंफ्यूजन किसी को हो तो वो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाए, तो ये सब क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। पूरा प्रयास किया गया है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही डाली जाए, है ना, ताकि आपका परफेक्ट रिविजन हो जाए। ओके, व्हाट इज फॉसिल, जीवाश्म क्या है, किसी भी जीव की मृत्यु के बाद में उसका जो शरीर है जहाँ मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, तो उसके शरीर के जो कोमल भाग होते हैं वो डीकम्पोजर खत्म कर देते हैं, बैक्टीरिया फंगस वगैरह, लेकिन उसके शरीर का जो कठोर भाग होता है वो अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी की चट्टानों के अंदर, सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर जीवाश्म के रूप में जमा हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो जीवाश्म के लिए एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसके बाद उसको हम लोग सर्च करते हैं कि दे आर रिमेन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, नहीं है भाई, सॉफ्ट पार्ट तो डीकम्पोज हो गया, वो फॉसिल के रूप में नहीं रहेगा। द रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक ऑफ मून, नहीं, मून के ऊपर अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है, वहाँ पर तो लाइफ के ओरिजिन, लाइफ की वहाँ पर तो इवन पानी की तलाश की जा रही है ना, तो उतना रिसर्च वहाँ पर चल रहा है, और सीधा सा है कि ये उससे डायरेक्ट रिलेटेड भी नहीं है, एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं लिखा, आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन बनाए गए हैं। They are remain of hard part of life form found in rocks. बिल्कुल, और ये rocks कौन सी हैं? अर्थ की rocks हैं। अर्थ की rock के लिए बात की है कि वे चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवों के कठोर अंगों के अवशेष हैं ना, तो परफेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर हो जाएगा। थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है देख लो, रिमेन ऑफ सेमी सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड हार्ड पार्ट होता है ना, इसलिए ये वाला भी गड़बड़ हो गया। फिर क्या लिखा, वाटर में, पानी के अंदर नहीं, चट्टानों के अंदर होता है।
The study with respect to life form show that life form का जो अध्ययन किया गया है वो अध्ययन हमें क्या प्रदर्शित करता है, जैसे डार्विन है उसने अलग अलग जो कॉन्टिनेंट थे उनकी लाइफ फॉर्म की स्टडी की, तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं ये पूछ रहे हैं। तो कहा गया है कि लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम, कि जो लाइफ फॉर्म है वो टाइम के अनुसार वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ रूप विशेष भौगोलिक काल तक ही सीमित रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस तरफ मैं लिखू टाइम, इस तरफ लिखू मैं स्पीसीज, टाइम T1 पे कोई स्पीसीज S1 है, टाइम T2 पे वही स्पीसीज बदल के S3 में आ गई, टू मान लो। टाइम T3 पर मान लो वो थ्री में चेंज हुई, टाइम T4 पे वो स्पीसीज 4 में चेंज हुई, और टाइम T5 मान लो आज का टाइम है वो स्पीसीज S5 के रूप में वो लगातार इवोल्व होती गई है। तो आप लोग देखें ये पास्ट हो गया, तो आप लोग देखें कि द लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम, कि जो लाइफ फॉर्म है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, ऐसी आईडी की लाइन है उसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ फॉर्म है वो T1 T2 T3 T4 T5 के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम। ये देखो ये S1 लाइफ फॉर्म T1 में थी, S2 लाइफ फॉर्म T2 में थी, S3 लाइफ फॉर्म T3 में थी, S4 लाइफ फॉर्म T4 में थी, और S5 लाइफ फॉर्म T5 में है और ये सब थी। तो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर ये देखें कि द लाइफ फॉर्म डजंट वेरी डोना है, लाइफ फॉर्म वेरी करती है, The life form varied over time but not restricted to certain geological time span. ये वाला जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हो गया NCERT ने, इसलिए ये लाइन लिखी है। Life form show stability and not like कि life form जो वो stability show करती है and not restricted and non-restricted distribution in many geological time span, कि वो उनका जो है distribution restricted ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो है हर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पाई जा सकती है। लेकिन NCERT ने अब यहाँ पर इसके लिए जो लाइन यूज की वो ये है। बाकी अगर हम लोग देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको लिविंग फॉसिल कहते हैं, वो स्टेसिजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है टाइम T1 पे भी वैसे थे, टाइम T2 पे भी वैसे थे, टाइम T3 पे भी वैसे थे, टाइम T4 पे भी वैसे थे, और टाइम T5 पे भी वैसे, उनको लिविंग फॉसिल कहते हैं। जैसे टर्टल है, लिमुलस किंग क्रेब है, लेकिन वो कुछ ऐसे एग्जांपल है, मोस्टली जीवों के अंदर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हमारा मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे NCERT का एक डायग्राम आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस डायग्राम के रिगार्डिंग जो है वो जो है ऑप्शन पूछे गए। तो आप लोग देखिए कि अगर हम लोग इसके अंदर रेप्टाइल देखें, टोटल रेप्टाइल कितने हैं, तो ये रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये हालांकि रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में कनेक्ट मिसिंग लिंक है, लेकिन इसको हम लोग एवस में रखेंगे, बर्ड्स में, पक्षी। तो इसमें टोटल रेप्टाइल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 रेप्टाइल, और बर्ड्स 1। ठीक है, इसमें टोटल कितने लिविंग रेप्टाइल है, तो आप लोग देखें कि ये जो है क्रोकोडाइल ये केवल लिविंग फॉर्म में है और बाकी के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट। टेरेडोन भी एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट और ये भी एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो कि जो स्टेगोसोरस है इससे कौन इवोल्व हुआ है, ट्राइसेरोट्रॉप्स, जिसके ऊपर 3 सींग नजर आ रहे हैं, और यहां पर एक कॉलर भी है, इसका क्वेश्चन भी आगे दिया है, और
अब ब्रैकियोसोरस से कौन इवॉल्व हुआ? टायरेनोसोरस, एक खतरनाक टाइप का डायनासोर, ठीक है ना। इसके डरावने आरी के समान डैगर लाइक जो टीथ पाए जाते हैं इसके अंदर। अब आप लोग देखें कि इसमें डायनासोर कितने हैं, तो ये जो है वो डायनासोर है, ये वाला एक डायनासोर है और ये भी एक डायनासोर मतलब था और ये भी एक डायनासोर था, लेकिन जो ये टेरेनोडॉन जो है ना, ये डायनासोर नहीं है, ये उनका रिलेटिव कह सकते हैं लेकिन ये डायनासोर नहीं है। जी समझ आए आपको? अब इसमें कितने उड़ सकने वाले जीव थे, तो ये भी उड़ सकता था और कुछ ये भी उड़ सकता था, आर्कियोपटेरिक्स, लेकिन ये क्या है, ये मिसिंग लिंक है। अब आप लोग इसके लिए जो है आंसर के लिए लोग जाते हैं, तो फॉलोइंग इज ए डायग्राम ऑफ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ये डायनासोर के परिवार का एक चित्र है, डायग्राम है, और उसके आज के जो जिंदा जीव हैं जैसे क्रोकोडाइल, बर्ड्स, उनको भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। सेलेक्ट, अब देखो इसके अंदर बर्ड्स यूज किए, बर्ड्स यानी आर्कियोप्टेरिक्स। सेलेक्ट एंड ऑप्शन विच करेक्ट रिगार्डिंग इट, ऐसा ऑप्शन देखना है जो इन सब के लिए करेक्ट हो। तो देखें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वर डायनासोर, देखा फर्स्ट डायनासोर है, सेकेंड डायनासोर है, थर्ड डायनासोर है, लेकिन सेवन डायनासोर है क्या? ये वाला टेरेनोडॉन नहीं, ये डायनासोर नहीं, यानी ये हो गया गलत। फिर देखें बी में क्या दिया कि सिक्स इज ए लिविंग रेप्टाइल, सिक्स कौन सा भी? ये वाला क्रोकोडाइल, सिक्स लिविंग रेप्टाइल है, ये सही हो गया। फिर देखना सी के अंदर, फिफ्थ इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, फिफ्थ क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, और वो रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में मिसिंग लिंक, ये भी सही हो गया। फिर डी में देखें कि सेकंड वाज टायरेनोसोरस, सेकंड कौन सा? ये वाला, ये वाला। और इसके लिए एनसीईआरटी ने आगे ब्रीफ रिव्यू के अंदर लिख रखी है लाइन जो यहाँ पे मैंने लिखी है कि सेकंड वाज टायरेनोसोरस रेक्स विद 20 फीट इन हाइट, ये लाइन आगे दे रखी है ना इसके लिए, यहाँ पे तो नहीं लिखा है लेकिन आगे ब्रीफ रिव्यू में लिखा है, तो ये वाला भी सही हो गया। फिर थर्ड कौन सा है? ये स्टेगोसोरस, और इसके लिए क्या लिखा है कि थर्ड वाज विथ ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, नहीं ये जो फीचर है वो टायरेनोसोरस का है न कि इस थर्ड स्टेगोसोरस का, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और लास्ट देखो एफ कि थर्ड वाज एंसेस्टर ऑफ फर्स्ट, कि ये जो थर्ड है वो फर्स्ट का एंसेस्टर है, सही है। और फिर फोर इज एंसेस्टर ऑफ सेकेंड, और जो फोर है वो सेकेंड का एंसेस्टर, ये भी परफेक्ट है, तो ये भी आपकी क्या हुआ है, आपका सही। अब आप लोग देखें कि ए बी डी एंड एफ आर करेक्ट, ए तो गलत है तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखना कि बी सी डी और एफ आर करेक्ट, ये अपना आंसर मिल गया अपने, और चेक कर लेते हैं। बी सी डी एंड एफ आर इनकरेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट नहीं है वो, करेक्ट है, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर देखना ए डी एंड एफ आर, नहीं ए तो गलत ही हो गया ना, हालांकि डी और एफ तो सही है लेकिन ए गलत हो गया, तो इसके अंदर आंसर क्या जाना चाहिए आपका कि बी सी डी एंड, बी सी डी एंड एफ आर करेक्ट, यानी अपना आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। तो एक अच्छा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के फिगर को जो है कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेट किया है, जैसे एनिमल किंगडम से कर दिया, आगे कुछ लाइनें लिखी उनसे कर दिया, तो एनसीईआरटी ने वैसे तो इसके लिए कुछ नीचे नहीं लिखा है लेकिन इस तरीके से आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन ह्यूमन बींग वेस्टिजियल ऑर्गन स्ट्रक्चर आते, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन जो हैं ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पूर्वजों में तो विकसित थी, क्रियात्मक थी, लेकिन हमारे अंदर जो है वो अब एक वेस्टिजियल फॉर्म में, एक अवशेष रूप में, क्रियात्मक नहीं है ना, और ये एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एक अच्छा प्रमाण भी है जो ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो क्या पूछा कि हमारे अंदर कौन सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, तो कॉकिक्स पूंछ वाली बोन है, हमारा विजडम टीथ जो थर्ड मोलर है वो है, लेकिन नाखून जो है वो हमारा वेस्टिजियल फीचर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो गया। विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है, ऑरिकुलर मसल, ये परफेक्ट आंसर आ रहा है, और देख लेते हैं
पैनक्रियाज वेस्टिजियल नहीं है, हमारी पलकें आईलिड वेस्टिजियल नहीं है, कॉकिक्स है, अपेंडिक्स है, नाखून भी नहीं है, विजडम टीथ है, कॉकिक्स है, तो आंसर चला जाएगा इसके अंदर सेकेंड. Who noted that embryo never passed through the adult stage of other animal? अब देखो biogenetic law जिसको Ernest Haeckel ने दिया था और बताया था कि जो embryo है vertebrates के अंदर वो अपनी एक starting की phase के अंदर जो है कुछ common character represent करते हैं जैसे gill slits है neck के पीछे की तरफ, इसके अलावा जो notochord है इसको represent करते हैं, लेकिन बाद में ये ज़्यादातर के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे गिल स्लिट है वो केवल फिश में रहती है, बाकी सब तो लंग्स से ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर वो गायब हो गई. नोटोकॉर्ड कुछ के अंदर रहती है लेकिन वर्टिब्रेट जो है उनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, लेकिन इनिशियली नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट सब में जो इंडिकेट करता है कि वो सब जो हैं मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इन सब का कॉमन एंसेस्टर था. लेकिन ये लाइन तो यहाँ पर एनसीईआरटी लिखी है, लेकिन एक लाइन इसके लिए और है अर्नेस्ट हेकल के लिए, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है दूसरे जो अडल्ट वर्टिब्रेट है एम्ब्रियो उनसे भी सिमिलरिटी शो करते हैं, हालांकि ये लाइन लिख नहीं रखी है. इस लॉ को बाद में इसी लाइन की वजह से रिजेक्ट किया गया था, और किसने रिजेक्ट किया था ये पूछा कि था हु नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, की जो अदर एनिमल है उनकी अडल्ट स्टेज से एम्ब्रियो कभी नहीं गुजरता. ये सही भी है, और इसको जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने जो वो दिया था, ये तो ऐसे बना दिए गए हैं, अर्नेस्ट हेकल है और एक ही है, ये तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके बनाया गया, तो ये तो गलत हो गया, ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करना है. तो बायोजेनेटिक लॉ इन्होंने दिया और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको और जो है वो उसके अंदर सुधार किया था. ठीक है, नीट के अंदर लास्ट टाइम आया भी था ये क्वेश्चन. The process by which organism with a different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge. तो देखो अगर हम लोग पूर्वज की बात करें, ancestor, जैसे ancestor 1, ancestor 2, ancestor 3, ये अलग अलग जो है history इनकी है family की, और एक environment है E1, और मान लो वो जो है वो है एक्वेटिक, और उस एनवायरनमेंट में एंसेस्टर A1 से बना कोई स्पीशीज S1, एंसेस्टर A2 से इवोल्व हुई कोई स्पीशीज S2, और एंसेस्टर A3 से इवोल्व हुई स्पीशीज S3, एक कॉमन एनवायरनमेंट A1 के अंदर अडेप्ट हुई. तो देखें कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग है, स्पीशीज S1, S2, S3 अलग अलग एंसेस्टर A1, A2, A3 से इवोल्व हुए हैं, इवोल्व सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन, मतलब ये जो है सिमिलर फंक्शन करने के लिए सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन जो कर रहे हैं, किसके लिए, इन रेस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज, एक ही एनवायरमेंट में अडेप्ट होने के लिए इनको अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर से एक जैसा काम लेना पड़ेगा, और ये कैसा इवोल्यूशन है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अभिसारी, तो क्या जाना चाहिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन परफेक्ट आंसर हो गया अपना. अडेप्टिव रेडिएशन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो इसी से रिलेटेड है, इसी का एक टाइप कह सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन. तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो लैंग्वेज है, वो किससे रिलेटेड है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से. हालांकि नेचुरल सिलेक्शन भी इस तरीके से जीवों का होता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट हमें जो पूछा जा रहा है वो कौन सा है, फर्स्ट है. ठीक है भाई, नेचर किसी जीव का सिलेक्शन कब करती है, जब जैसी भी परिस्थितियां उसको मिले वो उन परिस्थितियों में अडेप्ट हो जाए. तो अलग अलग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाले जीव एक एनवायरमेंट में आ गए और वहां पर उनको अडेप्ट होने के लिए उन्होंने एक जैसा कार्य कर लिया, अगर नहीं कर पाते तो वो मारे जाते, तो नेचुरल सिलेक्शन तो हुआ ना, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है वो नेचुरल सिलेक्शन के लिए नहीं पूछा जा रहा है, वो टाइप ऑफ इवोल्यूशन जो है उसके लिए पूछा जा रहा है, जो कि है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास. होमोलोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो है समजात संरचनाएं, किसका परिणाम, आपको मैंने बता दिया था कि होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का अपसारी विकास का रिजल्ट है,
और जो एनालॉग स्ट्रक्चर है वो किसका है, अभिसारी का, कन्वर्जेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर क्या जाना चाहिए, सेकेंड। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात की जा रही है, टू गेट इवॉल्व फर्स्ट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, अभी है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी एनसीईआरटी ने पीछे बात की है, जिसमें आरएनए प्रोटीन लिखा गया है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसमें आरएनए वर्ल्ड जो है के नाम से एक अलग पैराग्राफ दिया गया है। तो भाई यूनिट तो सातवीं कॉमन ही है ना, उसमें जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस तीनों हैं, तो तीनों चैप्टर अलग अलग नहीं है, तीनों के कॉन्सेप्ट आपस में रिलेटेड हैं, और इसी तरीके से रिलेट करके नीट में क्वेश्चन बनेंगे, और मैंने इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए भी हैं आपको रिलेट करके, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल इवोल्व हुआ था वो कौन था, आरएनए। आरएनए संसार अवधारणा के थ्रू बताया गया कि आरएनए सबसे पहले बना, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, आप लोगों ने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायो में, और वो आरएनए अनस्टेबल था, तो बाद में उससे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनी जिसको डीएनए कहा, और मोस्ट ऑफ जो जीव है उनके अंदर आज डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में स्थापित हो गया, लेकिन आज भी कुछ वायरस के अंदर आरएनए जीनोम की तरह कार्य करता है, जैसे एचआईवी है, और जैसे कोरोना वायरस है इसके अंदर भी जीनोम जो आरएनए है जो सरदर्द बना हुआ है, ठीक है। तो 134 जो उसके अंदर आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। एट द टाइम ऑफ मेंडल, अब ये जो लाइन है ना, ये हम लोग आपको जेनेटिक्स में भी समझाते हैं, और इसको एनसीईआरटी ने मॉलिकुलर बेसिस जो है उस चैप्टर में पहले ही पेज पे समझाया हुआ भी आपको। तो एट द टाइम ऑफ मेंडल, मेंडल के समय के दौरान, द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज, कि जो वंशागति है उसके पैटर्न को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर थे उनकी प्रकृति कैसी थी, ऐसा तो मेंडल ने तो बताया था, अंदाजा लगाया था कि कुछ फैक्टर होते हैं, और उसकी कमी ये रही कि उसकी जो उनकी एग्जिस्टेंस की का जो फिजिकल जो प्रूफ था वो दे भी नहीं पाए थे, वो तो 1900 के बाद में जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई उसके बाद पता लगा, उनको जीन नाम दिया गया जॉनसन के थ्रू, समझ रहे हो। इसका मतलब है कि मेंडल के समय वे कारक जो वंशागति की प्रतिरूप को नियंत्रित करते उनकी प्रकृति थी, मेंडल के समय प्रकृति तो ये नहीं थी, लेकिन मेंडल के समय पता ही नहीं था, इसका मतलब है कि उस समय वो चीज क्लियर नहीं थी, यानी उनके बारे में कोई जानकारी उस टाइम मेंडल के समय नहीं थी, चीज समझ आई। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है तो इसके लिए आप लोग जो है मॉलिक्यूलर बायो के फर्स्ट पेज पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है, क्योंकि मेंडल ने उस टाइम फैक्टर नाम दिया था उसको, उसकी एग्जिस्टेंस का मेंडल, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मेंडल कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे फैक्टर की, तो अगर एग्जिस्टेंस का ही वो प्रूफ नहीं दे पाए थे तो केमिकल नेचर का कैसे पता लगेगा कि वो डीएनए था या आरएनए था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलरिटीज इन प्रोटीन जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, भाई अलग अलग जो जीव हैं उनके अंदर जो प्रोटीन जीन वगैरह उनमें समानता, होमोलॉजी, और कैसी होमोलॉजी, आणविक मोलिकुलर समझाता है ये, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री समान पूर्वजता को भी शो करता है, ये मॉलिक्यूलर होमोलॉजी आणविक होमोलॉजी को भी शो करता है, एनालॉजी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ वन एंड टू आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कि मैन ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट्स एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी, ऑल दीज आर रिलेटेड विद, कि मनुष्य ने कृषि, बागवानी, खेल, सुरक्षा के लिए चयनित पौधों और जानवरों का प्रजनन किया, और ये सभी संबंधित है, यानी मनुष्य ने अपने आसपास जो बायोडाइवर्सिटी थी उसमें जो वेरिएशन थी उसका उपयोग किया था। और अपन ने जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आया भी था ना, जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पहले पेज पे ये लाइन लिखी हुई है कि मनुष्य ने अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी में जीवों में जो वेरिएशन थी उसका लाभ उठाते हुए उनके अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया था, ब्रीडिंग की थी, डोमेस्टिकेशन, याद है साहिवाल वाला, तो ये एविडेंस से बनाया मैंने, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज ए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, उससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दीज आर रिलेटेड विद नेचुरल सिलेक्शन, नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज ए एविडेंस ऑफ
इवोल्यूशन बिल्कुल और फिर क्या लिखा है इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इज ए एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है यहाँ पर क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन तब सही हो जाता है ये एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है वहाँ पर अपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में फाउंडर इफेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है तो आंसर हो जाएगा सेकेंड बहुत ही शानदार क्वेश्चन उम्मीद है तुम लोगों ने मेहनत की होगी और अगर की है तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज ए एविडेंस के बाद नेचुरल सिलेक्शन एज ए एविडेंस हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर इंडस्ट्रियल मिलनिज्म ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में हर्बिसाइड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस की बात हुई है और उसी में हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल मिलनिज्म के लिए बात कर रहे हैं इंग्लैंड में 1850 तक पॉल्यूशन नहीं था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरिया थे वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं था तो पॉल्यूशन अगर नहीं था तो उस समय लाइकेन की ग्रोथ अच्छी हुई और लाइकेन की ग्रोथ अगर अच्छी हुई तो लाइकेन ने पेड़ों के तने को उनकी बार्क को कवर कर लिया तो वो लाइट कलर की बार्क जो है वो नजर आने लग गई लाइट कलर का हैबिटेट जो इंसेक्ट के लिए हो गया उसमें जो मॉथ थे बिस्टन बिटुलेरिया उनके ऊपर चिपक गए थे पॉल्यूशन जब नहीं था उस दौरान और वो भी लाइट कलर के थे उनकी पंखों में मेलेनिन कम था लेकिन उन इंसेक्ट के साथ कुछ डार्क कलर वाले भी थे जिनमें मेलेनिन ज्यादा था तो उड़ते हुए पक्षियों को प्रेडेटरी बर्ड्स को कौन नजर आ रहे थे जो कैमोफ्लेज नहीं कर पाए डार्क कलर वाले कब पॉल्यूशन से पहले तो उनका काउंट कम हो गया और जो लाइट कलर वाले थे उनका काउंट ज्यादा था लेकिन 1920 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पॉल्यूशन हुआ लाइकेन पॉल्यूशन बढ़ा लाइकेन कम हुआ क्योंकि लाइकेन पॉल्यूशन का अच्छा इंडिकेटर है और जब लाइकेन घटा तो वृक्षों की छाल पेड़ों की जो स्टेम जो था वो जो थे वो नजर आने लगी ब्राउन कलर की और पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है उसका डार्क कलर हो गया हो और तब वहां पर लाइट कलर के जो लाइकेन थे जो पहले फिट थे पॉल्यूशन से पहले अब अनफिट हो गए क्योंकि वो नजर आने लग गए डार्क हैबिटेट और जो पहले अनफिट थे डार्क अब वो फिट हो गए डार्क कलर वाले क्योंकि पहले वो नजर आ रहे थे लेकिन अब उनका हैबिटेट डार्क है अब वो प्रेडेटरी बर्ड को नजर नहीं आएंगे बाद में अब इनकी पॉपुलेशन में डार्क बढ़ गए और लाइट वाले कम हो गए बाद में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया तो वापस उल्टा हो गया अब लाइट वाले फिट हो गए क्योंकि लाइकेन की ग्रोथ फिर हो गई और डार्क वाले अनफिट हो गए तो यहां पर आप देखें कि एनसीईआरटी ने ए और बी के अंदर इस चीज को समझाया और आप लोगों को फिगर के अंदर जो है नजर आ रहा होगा कि जो ए वाला फिगर है और जो बी वाला फिगर है ए वाले फिगर में इन इंसेक्ट का जो हैबिटेट है सराउंडिंग वो लाइट कलर का है और बी वाला जो फिगर है इन इंसेक्ट के आसपास सराउंडिंग जो है वो डार्क कलर का है इसका मतलब ए और बी जो है उसमें लाइकेन की ग्रोथ किसमें ज्यादा है जिसमें लाइट कलर का हैबिटेट है यानी यहां पर लाइकेन जो है वो ज्यादा है और यहां पर ये डार्क है इसका मतलब यहां पर लाइकेन कम है यानी इस दौरान पॉल्यूशन कम है और इस दौरान जो पॉल्यूशन है वो क्या है ज्यादा है तो ए और बी जो है उसके लिए हमें करेक्ट यहां पर आंसर देखना था उम्मीद है सही किया होगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इन द फिगर बिलो two type of moth are visible on the trunk of tree select the option that correctly describe the figure a and b respectively a aur b ko respectively aapko correctly identify karna hai theek hai to dekhiye before industrialization set in 1850 ke aas pass there were more white wing moth on tree than dark wing moth bilkul क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं था तो जो व्हाइट विंग के मौत थे वो ट्री पर डार्क विंग मौत के कंपैरिजन में ज्यादा थे तो ये तो परफेक्ट है लेकिन ये और देख लेते हैं कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब पॉल्यूशन बढ़ा तो उसकी वजह से लाइकेन कम हो गया और लाइकेन कम हुआ तो डार्क कलर वाले अब नजर नहीं आए क्योंकि हैबिटेट उनका डार्क हो गया था लाइट कलर वाले नजर आ रहे हैं तो देयर वर मोर डार्क विंग मोथ इन द सेम एरिया ये तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले 1850 के अंदर
पेड़ों पर श्वेत पंखी स्लब गहरे रंग के स्लबों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे और औद्योगिकरण के पश्चात उसी क्षेत्र में गहरे रंग के स्लब अधिसंख्यक थे, लाइट से ज्यादा थे, तो ये परफेक्ट है। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है इसको समझना है। देखिए इन अबव फिगर ए डार्क कलर मोस्ट सर्वाइव की ऊपर वाला जो ए फिगर है इसमें डार्क कलर के मोस्ट सर्वाइव करेंगे नहीं, बट लाइट कलर मोथ वर पिक्ड अप नहीं, लाइट कलर वाले तो नजर आएंगे नहीं, वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं बढ़िया, डार्क कलर वाले नजर आएंगे तो गलत हो गया। इधर बी फिगर में लाइट कलर मोथ वर सर्वाइव नहीं, उल्टा हो गया ये, इधर लाइट कलर वाले नजर नहीं आएंगे, उधर डार्क कलर वाले नजर नहीं आएंगे, इनको उल्टा कर दिया तो गलत हो गया ये। फिर ये देखिए ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड औद्योगिकरण से पहले द ट्री ट्रंक बिकम लाइट ड्यू टू लेस मेलानिन प्रोडक्शन इन देम, ट्री ट्रंक थोड़ी मिलेनियन बनाएगा, वो तो इंसेक्ट बनाएंगे, ट्री ट्रंक जो है वो तो डार्क या लाइट लाइकेन की ग्रोथ की वजह से है, अगर लाइकेन की ग्रोथ है तो वो लाइट कलर का नजर आ रहा है लाइकेन की वजह से, और अगर लाइकेन नहीं है तो ट्रंक जो है वो डार्क कलर का नजर आने लगेगा, क्योंकि जो लाइकेन है वो वाइट कलर की होती है, उस वजह से हैबिटेट वाइट कलर का हो रहा था और पोल्यूशन की वजह से लाइकेन भी हट गई, और हो सकता है कि पोल्यूशन जो एयर पोल्यूटेंट है उनकी वजह से भी वो जो स्टेम था वो डार्क हो जाए, है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। ये वाला यहाँ पे गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू मोर मेलानिन, ट्री ट्रंक में मेलानिन नहीं बनता है, मेलानिन जो है पिगमेंट वो इंसेक्ट के विंग्स में बन रहे हैं। फिर इन अबव फिगर ए थिन ग्रोथ, यहाँ पर एनसीईआरटी ने थिन ग्रोथ की जगह लिखा है थिक ग्रोथ ऑफ स्लाइटली व्हाइट कलर लाइकेन कवर्ड द ट्री, है ना, तो ये इस वजह से जो है वो गड़बड़ हो गया। फिर इधर देखें इन अबव फिगर बी थिक ग्रोथ ऑफ डार्क कलर्ड लाइकेन, लाइकेन कोई डार्क कलर का नहीं होता, वो तो लाइट कलर का ही होता है, और इस तरफ जो है वो लाइकेन की थिक ग्रोथ है ही नहीं, लाइकेन तो खत्म हो गया ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, अंतरिक्ष में फर्स्ट, ठीक है, चले आगे। Which one can be used as a industrial pollutant indicator? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन, लाइकेन। ट्री बार्क नहीं थी, लाइट कलर डार्क कलर की मौत नहीं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर जो होते हैं वो लाइकेन होते हैं, जिस भी हैबिटेट के अंदर जहाँ पे भी पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ पर सल्फर का लेवल कम होने की वजह से लाइकेन की ग्रोथ ज्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा। इसको उसी टॉपिक से बनाया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म को हम लोगों ने लिया था कि सेलेक्ट एन ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, और जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के संबंध में किसी एक विषम का हमें चयन करना है। तो देखें अभी जो मैंने आपको समझाया था उसी के बेसिस पे कि द मोथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव मोर, बिल्कुल सही है कि जो स्लब अपने पृष्ठभूमि में छदमावरण करने में समर्थ थे या करने में ये सक्षम है, सक्षम थे, अधिक जीवित रहे, ठीक है ना, बिल्कुल सही भी है कि लाइट कलर वाले हैबिटेट में लाइट कलर वाले स्लब और डार्क कलर वाले हैबिटेट में डार्क कलर वाले स्लब अपने आप को जो है छुपा रहे थे, इसलिए उनका सिलेक्शन ज्यादा हुआ, तो परफेक्ट है फर्स्ट। तो दूसरा देखो इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में पॉल्यूशन कम था, और पोल्यूशन कम था इसका मतलब लाइकेन ज्यादा थी, लाइकेन ज्यादा थी इसका मतलब जो मौत थे स्लब थे वो लाइट कलर के थे, उनमें मेलानिन कम बना। तो देखें कि इन रूरल एरिया द काउंट ऑफ मेलानिक मौत वाज लो, बिल्कुल सही है कि जो मेलानिक मौत थे अश्वेत स्लबों की संख्या वहां पर क्या थी, कम थी, क्योंकि रूरल एरिया में पॉल्यूशन कम था। फिर इन ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, Those that can better adapt, जो अच्छा adapt होते हैं वो survive करते हैं, and increase in population size. एक mixed population में जो अच्छा adapt होते हैं वो हो सकता है light color वाले हो pollution से पहले, और वो हो सकता है dark color वाले हो pollution के बाद, वो अच्छा survive करते हैं और अपने number में बढ़ाते हैं, ये भी perfect है। फिर देखें कि जब pollution नहीं था उस समय light color वाले ज़्यादा थे, लेकिन क्या डार्क कलर वाले वेरिएंट पूर्ण रूप से खत्म हो गए थे, क्या सभी खत्म हो गए थे? अगर ऐसा होता तो पॉल्यूशन होने के बाद में फिर डार्क कलर वाले कहां से आ गए? इसका मतलब वेरिएंट तो एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में, और जब पॉल्यूशन
हो गया, उसके बाद डार्क बढ़ गए, लाइट कम होने लग गए, और जब पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया गया तब लाइट कलर वाले वापस आ गए। इसका मतलब जब पोल्यूशन हुआ और उस दौरान डार्क बढ़े तब भी लाइट कलर वाला वेरिएंट खत्म नहीं हुआ, एग्जिस्ट दोनों ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि रिमेंबर दैट वन ऑफ वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं, जो वन ऑफ वेरिएंट है वो कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं होता है, वो वहाँ पर मेंटेन रहता है ना। तो रिमेंबर दैट वन ऑफ वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप आउट इस वजह से गलत हो गया, दोनों ही वेरिएंट जो वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑड वन पूछ रहा था तो फोर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, नेचुरल सेलेक्शन एज ए एविडेंस। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चैलेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इनमें हमें एक ऐसा नेचुरल सेलेक्शन का एग्जाम्पल देखना है जिसमें ह्यूमन का रोल नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित क्रिया द्वारा उत्पन्न पर्यावरण में परिवर्तन के कारण विकसित जीव का एक गलत उदाहरण है, ये हमें देखना है। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में मनुष्य का योगदान था, पॉल्यूशन तो मनुष्य ने किया था ना, और ड्रग रेजिस्टेंस होती बैक्टीरिया में वो भी मनुष्य की वजह से ही है, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो वीड्स में वो भी ऐसा ही है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो बनाए तो ह्यूमन की वजह से ही है, और ह्यूमन ने ये जो केमिकल बना करके जो है यूज किए हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इनमें झलक रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियन जो है वो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, वो तो अडेप्टिव रेडिएशन के अंदर हम लोग पीछे पड़ के आए हैं, ठीक है ना। तो 141 जो है उसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका। चलो, Which one has only result of excess use of herbicide, pesticide? कि herbicide और pesticide का अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे बहुत कम टाइम में जीवों के अंदर जिनके विरुद्ध उसको यूज़ किया जा रहा है उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी, और वो इवोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी इन लॉन्ग टाइम स्केल नहीं होगा, ये बहुत कम टाइम में होता है। फिर देखिए, सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी इन इंटरमीडिएट टाइम जोन भी नहीं होगा, इंटरमीडिएट टाइम स्केल सॉरी, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट भी नहीं होगा, मतलब न तो ज्यादा न तो तेजी से और न ही धीरे धीरे। फिर आगे, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी इन मच लेसर टाइम स्केल, ये एनसीईआरटी ने यहाँ पर यूज किया है, ये लाइन एनसीईआरटी की है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक और इन ड्रग्स वगैरह को हर्बिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करने से बहुत कम टाइम में ये जो जीव है उनमें रेजिस्टेंस इवॉल्व हुई है ना। तो और अगला है कि सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी इन सेंचुरी शताब्दियों में ऐसा होता है, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ओके, अब एक चीज देखो कि डायनासोर जो थे वो जुरासिक पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे, क्या उन्होंने सोचा था कि हम अब मरने वाले हैं? मेसोजोइक एरा में टासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस तीन पीरियड है। ट्रासिक में डायनासोर इवॉल्व हुए, जुरेसिक में डोमिनेंट हो गए, क्या उन्होंने सोचा था कि अब उनका टाइम खत्म हो गया है? क्योंकि इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है। और एक बड़ा उल्कापिंड आके टकराया, मेटियोराइट, और सारे डायनासोर खत्म। तो बाई चांस इवेंट इन नेचर हुआ, यहां प्रकृति में एक घटना हुई और उस घटना से वो जीव खत्म हो गए। और ऐसा नेचर में हमारी अर्थ पे कई बार हुआ है, मास ऑफ एक्सटेंशन, ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन जिसको बोलते हैं, सुनामी, उल्कापिंड का टकराना, बादल का फटना, है ना, बाढ़, भूकंप, ये सब बाय चांस इवेंट है नेचर में। तो इवोल्यूशन में ऐसा कहना कि हमेशा ऐसे ही होता रहेगा इस दिशा में, ये गलत है, इसको पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हो। तो देखिए कि इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ, मतलब कि किसके अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, डिटरमिनेशन ये वाला देखो, निश्चयवाद, मतलब कि हमेशा ऐसा ही होगा, इस रेस्पेक्ट में इवोल्यूशन एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है इंडस्ट्री इन्हीं एग्जाम्पल के बाद में जो ये एविडेंस है, जो नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों ने बात की उन्हीं के लिए ये लिखा है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड।
ओके, इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन, मतलब कि जो विकास है एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है, और ये किन पर आधारित है आपको पता, मैंने अभी भी बताया कि जो इवोल्यूशन है इसमें कई प्रोबेबिलिटी है, ये नेचर में बाय चांस इवेंट पे डिपेंड करेगा और जीव में बाय चांस म्यूटेशन पे डिपेंड करेगा। अब कुछ बैक्टीरिया में, कुछ हर्ब में पहले से कोई म्यूटेशन की वजह से कोई वेरिएशन थी, लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक का यूज किया तो उसके यूज करने से जो है उसके अंदर हो सकता है उनका सिलेक्शन हुआ, या मैं कहूं कि पहले से जीवों के अंदर जो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है तो एक बाय चांस म्यूटेशन ही तो हुआ उनमें, और बाय चांस म्यूटेशन की वजह से उनमें वेरिएशन क्रिएट हुई, लेकिन तुरंत नेचर उसका सिलेक्शन नहीं करती है, क्योंकि उस वेरिएशन, वो वेरिएशन जो म्यूटेशन से उत्पन्न हुई है वो बाय चांस म्यूटेशन से हुई है, और तुरंत उसका लाभ मिले ये जरूरी नहीं है, आगे फ्यूचर में हो सकता है एनवायरनमेंट बदले और उस एनवायरनमेंट के बदलने से जिनमें बाय चांस पहले से कोई वेरिएशन थी उन बैक्टीरिया का चयन हो जाता है, जैसा एनसीईआरटी ने लिखा भी है एंटीबायोटिक के लिए कि शुरुआत में बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश पे ग्रोथ कराई जिसमें ए यूज किया, बैक्टीरियल ग्रोथ है तो सभी बैक्टीरिया ग्रोथ की, फिर उनमें से कुछ, फिर उन बैक्टीरिया को एक एंटीबायोटिक वाली पेट्री डिश पे ट्रांसफर किया तो बहुत सारे मारे गए, कुछ बचे, और वो बचे जिनमें पहले से वेरिएशन थी बाय चांस म्यूटेशन के कारण। तो नया एनवायरनमेंट जो है वो वेरिएशन को क्रिएट नहीं करता है, नया एनवायरनमेंट प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का चयन करता है, सिलेक्शन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आपको इसके लिए ये देखनी थी कि ओनली चांस इवेंट इन नेचर नहीं, ओनली चांस म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म नहीं, चांस इवेंट इन नेचर बिल्कुल सही है, एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इसको उल्टा कर दिया गया इसलिए ये रॉन्ग हो गया, तो 144 के अंदर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, डार्विन फिंचेज है, ठीक है ना, अडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन बनाया है और पूछे कि इस फिगर के लिए कौन सा संबंधित नहीं है, होमोलोगस होते हैं क्योंकि होमोलॉजी शो कर रहे हैं एक ही कॉमन एंसेस्टर से ये सभी इवोल्व हुई है जो ओरिजिनल बीज खाने वाली थी, है ना, और अडेप्टिव रेडिएशन भी हुआ है चारों तरफ अलग अलग फूड पे वो डिपेंड हो गई थी, और गैलापागोस आइलैंड पे हुआ है, ठीक है ना। तो ऑड वन कौन सा हुआ है, एनालॉजी, एनालॉजी शो नहीं करी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, डायनासोर विच हैव थ्री हॉर्न्ड हेड, और उनके जो हेड नेक थी उसमें कॉलर थी, ये पूछ रहा है, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा कौन सा, ट्राइसेरेटॉप, तीन सींग वाला डायनासोर, अभी पीछे पीछे बताया एनसीईआरटी में, आप लोग देखो आपको नजर भी आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर था तीन वाला, कि तीन सींग और नेक में कॉलर कौन, तो ट्राइसेरेटॉप्स। फॉसिल आर डेटेड बाय, अब एनसीईआरटी ने आपको ये पूछा है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, हालांकि बताया नहीं है, आपसे पूछ रखा है तो हो सकता है नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है कि फॉसिल की आयु का निर्धारण, एक तो रिलेटिव डेटिंग होती है उसमें, जैसे जैसे जमीन को हटाते जाते हैं मिट्टी को तो वैसे वैसे फॉसिल मिलते जाते हैं, लेकिन उससे एग्जैक्ट डेट का पता नहीं लगता कि कितना पुराना वो फॉसिल है, जो ऊपर मिले वो नए हैं और जैसे जैसे नीचे गए वो पुराने हैं, बस इतना पता लगेगा। एग्जैक्ट उनकी एज का पता लगाने के लिए जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है, या रेडियो एक्टिव जो मेथड है उसको यूज किया जाता है। तो आपको पता है इस मेथड के अंदर फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि आसपास क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है उन, वो कितना परसेंट डिके हो चुका है, क्योंकि उनकी एक हाफ लाइफ होती है, अगर जैसे 5000 साल हाफ लाइफ है और वो 50% बचे, यानी उनके आसपास जो फॉसिल है वो भी 5000 साल पुराना ही होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि फॉसिल आर डेटेड बाई देर नंबर इन एरिया, नहीं देर सोडियम कंटेंट, नहीं अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी नहीं, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप इन देम परफेक्ट हो जाएगा। और एक एम्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये पूछा है कि आज वर्तमान में फॉसिल की एज का पता लगाने के लिए किसको यूज किया जाता है, तो वर्तमान में जो यूज किया जाएगा करंटली वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फॉसिल डीएनए। करंटली इन मेथड्स को फॉसिल की एज का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है।
इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका फोर. ऑल ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियन इवोल्ड इन द, आप लोग देखिए शुरुआत में एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ. और ये सब अलग अलग टूट करके अलग अलग हो गए. तो ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियन जो थे, ऑस्ट्रेलियन शिशु दानी संधारी, वो यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को ही पूर्वज आ गए. और बचे हुए जो मार्सोपियल मैमल थे वो बचे हुए कॉन्टिनेंट के ऊपर प्लेसेंटल मैमल के साथ कंपटीशन की वजह से खत्म हो गए. मार्सोपियल मैमल केवल यहाँ है. फिर उस उन एंसिस्टर से जितने भी मार्सुपियल मैमल एनसीईआरटी ने अडेप्टिव रेडिएशन में दिखाए वो सारे के सारे वही बने हैं, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है. तो इसके अंदर आंसर क्या जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, आंसर नंबर फोर. ठीक है, प्लेसेंटल वॉल्फ जो है वो प्लेसेंटल मैमल है, और तस्मानियन वॉल्फ जो है वो है आपका मार्सुपियल मैमल. और एनसीईआरटी लिखा है कि सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशन में एक जगह पर दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है और ये आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से होती है. तो ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियन और प्लेसेंटल मैमल जो हैं वो क्या एग्जिबिट करती हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एग्जिबिट करती है. एनसीईआरटी लिख रखा है होमोलॉगी नहीं, अडेप्टिव रेडिएशन नहीं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं. तो आंसर हो जाएगा थर्ड. ओके, कि एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीडाइजिंग विद द अपीयरेंस ऑफ, आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, साइनोबैक्टीरिया है ना, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नहीं. ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर वो भी तो हो सकते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करें. तो ऑटोट्रॉपिक साइनोबैक्टीरिया इसीलिए यूज किया क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसको यूज कर रहा था, जल को. लैंड प्लांट सेल की वो तो बाद की बात है, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल भी नहीं, उसके बाद वो सब बने, शुरुआत की बात है. तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, सेकंड. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से दैट स्वतः जनन सिद्धांत क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है. तो परफेक्ट आंसर आपका कौन सा है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकिंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड, जीवन की उत्पत्ति भूसे और कीचड़ जैसे सड़ते हुए पदार्थ से अपने आप हुई है, उसमें मक्खियाँ फ्रॉग वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं ना. तो ये इसके लिए परफेक्ट आंसर आपका चला जाएगा, बाकी अलग थ्योरी से रिलेटेड है, उससे संबंधित इनका कोई रिलेशन नहीं है. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉबेबली अरोज फर्स्ट, सबसे पहले जो जीव थे वो एनएरोबिक थे और बाद में वो एरोबिक हुए थे, जिसमें आई आपको पहले एनएरोबिक और बाद में एरोबिक. तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले पूछे तो एरोबिक होगा नहीं, एनएरोबिक है एज इट रिलीज मोर, नहीं ये कम एनर्जी उत्पन्न करते हैं. एरोबिक नहीं, एन एरोबिक एज अर्ली एटमोसफियर कंटेन नो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका परफेक्ट आंसर चला जाएगा. द ओरिजिनल बर्ड जो थी जो गैलेपागोस आइलैंड पे पहुंची वो बीज खाने वाली थी, ठीक है ना, सिंपल सा आंसर है फूड सीड ईटर. और उसी से फिर बीक साइज में वेरिएशन के कारण अलग अलग फूड के ऊपर वो डिपेंड हो गई थी, ठीक है ना. तो आंसर हो जाएगा इसका फोर. व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन आर अपीयर टू हैव इन ए आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, है ना, और उसमें भी एनसीईआरटी में ब्रैकेट में लिखा अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन का होना, तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है उसको शो करता है. तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आंसर हो जाएगा सेकेंड. Evolution by natural selection in a true sense would have started. कि evolution by natural selection in a true sense would have started. कि प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में कब शुरू हुआ था. NCERT ने biological evolution में यहाँ पर डार्विन के लिए बात की, वहीं पे ये लाइन लिख रखी है शुरुआत में, आप लोग देखना. तो आप लोग देखें कि जब सबसे पहली सेल बनी तो आपको मैंने आज बताया भी था कि वो एनएरोबिक हेटरोट्रॉफिक प्रकार की थी, कीमोहेटरोट्रॉफिक, और बाद में वो ऑटोट्रॉफिक हुई, कीमोटोट्रॉफिक, फोटोटोट्रॉफिक H2S वाली, फिर फोटोटोट्रॉफिक H2O वाली, है ना, साइनोबैक्टीरिया. तो अलग अलग तरीके से उन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म जो था वो इवोल्व हुआ.
तो इस लाइन को एनसीईआरटी ने यूज किया इसके लिए कि व्हेन सेलुलर फॉर्म जब कोशिकीय रूप विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, जब उनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर अलग अलग डिफरेंस आ गए तब वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट, इनवर्टिब्रेट तो बहुत टाइम बाद में बोल हुए थे, यूकैरियोटिक सेल नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं, ये इससे संबंध नहीं है, सीधा एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन जो उसको यूज किया है। Which are the two key concept of Darwinism theory of evolution? Darwinism जो है उसके दो key concept जो use किए थे Darwin ने, वो एक तो branching descent, ये वाला इस तरीके से, इससे ये बने, इनसे फिर ये बनते गए, ये जो है branching descent, ये क्या है, ये शो करता है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन और फिर नेचुरल सिलेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये दो की कॉन्सेप्ट जो थे वो डार्विन के थे, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, तो आंसर क्या जाना चाहिए आपका फर्स्ट। साखनी अवरोहण उसको सही कर लेना है, इंडिक एनसीईआरटी इसको गलत लिख रखा है, और प्राकृतिक वर्ण। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड विद डार्विन ने एक चीज ये भी समझाई थी कि एक तरफ जीवाणु है और एक तरफ खरगोश है रैबिट। अब आपको पता है कि सेल डिवीजन जो है इसमें फास्ट होता है और इसके अंदर स्लो, फिर जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पेन, इसमें स्मॉल है छोटा है और इसमें बड़ा है बिग। तो जिसके अंदर धीरे धीरे सेल डिवीजन हो रहा है, जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा है वो धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, और जिनका लाइफ साइकिल छोटा है, जिनमें सेल डिवीजन तेजी से होता है, वो जो हैं वो तेजी से इवॉल्व। तो आप लोग कोई ये चीज एनसीईआरटी में लिख रखी है, याद रखना है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड विद लाइफ साइकिल एंड लाइफ स्पेन। तो आंसर क्या जाना चाहिए सेकंड, ठीक है, चले आगे। तो अगला जो क्वेश्चन अपना है 158, तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से अच्छा क्वेश्चन ये बना हुआ है, और इसमें पूछा कि इवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस, कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, या द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस एक प्रक्रिया का परिणाम है, ये पूछा हुआ है। तो कब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और कब इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। जब भी हम लोग व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब भी हम लोग इस संसार की कहानी की बात करते हैं, तब आपको मानना है कि इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। और जब ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हम लोग इस पृथ्वी पर जीवन की कहानी की बात करते हैं, लाइफ की, तो तब हमें इवोल्यूशन को ट्रीट करना है, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, कि जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब विकास के प्राकृतिक चयन नामक एक प्रक्रम के परिणाम के रूप में हमें उसको मानना है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही लाइन परफेक्ट आ रही है, बाद में एनसीईआरटी ने ये भी लिखा कि ये पूरी चीज कन्फर्म नहीं है ना, लेकिन फिर भी शुरुआत में ये बातें लिखी हुई, इसलिए इस पर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें लिखा है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस रिगार्डिंग स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, नहीं उल्टा हुआ है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको उल्टा कर दिया गया है, और यहाँ पे देखें बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, दोनों ही जो ऑप्शन है वो यहाँ पर परफेक्ट आपके आंसर है। तो कब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और कब इवोल्यूशन उस प्रोसेस का रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ओके, डार्विन अपने वर्क के लिए किससे प्रभावित हुए थे, तो आपको याद रखना है कि वो थॉमस मैल्थस से प्रभावित हुए थे। थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन पे वर्क किया था, और उन्होंने बताया था कि जैसे कोई बैक्टीरियल पॉपुलेशन है तो
तो शुरुआत में जब रिसोर्स फूड स्पेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो वो अपनी बायोटिक पोटेंशियल अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमम यूज करते हुए प्रजनन करते जाते हैं। और एक इकोसिस्टम की एक लिमिट होती है जिसको ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी, उस पर उस मैक्सिमम ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ग्रोथ। इस पर क्या हो रही है, मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन जब ये इस ऑप्टिमम कैरिंग कैपेसिटी को इकोसिस्टम की क्रॉस कर जाते हैं और दूसरी कैपेसिटी की तरफ पहुंचते हैं, ये वाली बात है, यहां पे इसको बोल दिया मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, अधिकतम धारण क्षमता, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी इकोसिस्टम की। इस पॉइंट पे आने के बाद में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ में उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा, कभी संख्या बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, क्योंकि इकोसिस्टम जो है उसके अंदर फूड मतलब भोजन, स्थान रहने की जगह और प्रजनन, इन सब के लिए लिमिटेशन होते हैं। निश्चित मात्रा में भोजन है, निश्चित मात्रा में जगह है, और जो नर होंगे उनके लिए निश्चित मात्रा में प्रजनन के लिए जो है वो मादाओं की उपलब्धता होगी, क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन होता है नर का, सभी नर जो है उनका सिलेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्पेस, फूड, मेट, इन सब के लिए इस पॉइंट पर जीवों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन। और उस कंपटीशन में वही देखो, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्रकृति जो है वो जीवों को कांस्टेंट रखना चाहेगी नंबर को, और उस नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए उन जीवों के बीच इनके लिए कंपटीशन आरंभ हो जाएगा। उसमें फिर जो है वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, और वो वही फिट होगा जिसमें अच्छी वेरिएशन होगी। तो अच्छी वेरिएशन की वजह से जब वो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। फिर अच्छे वेरिएशन के साथ जब वो सिलेक्ट हुआ तो फिर वो प्रजनन करके अपनी वेरिएशन को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से जब ये होगा तो फिर लास्ट में स्पीशिएशन हो जाता है, वो एक नई प्रजाति के रूप में जीव स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, ये सब चीज़ें मेल्थस के कार्य में रिफ्लेक्ट हो रही है, और इन्हीं के आधार पर जो डार्विन थे वो क्या हुए, इनसे प्रभावित है। ठीक है, चले आगे। ओके, विच वाज नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन। डार्विन जो है उनके लिए नूतनता और वैचारिक प्रगल्भता की शानदार अंतर्दृष्टि क्या थी, ये पूछा गया, एनसीईआरटी की लाइन ही है ये। तो आप लोग देखें कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज, नहीं ये लेमार्क से रिलेटेड था। इनहेरिटेंस ऑफ ऑल एक्वायर्ड, नहीं ये भी लेमार्क के थ्रू बताया गया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है, योग्यतम की उत्तरजीविता, और इसके अलावा आपको इस ऑप्शन के साथ एक और कंफ्यूज करेगा, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्या दे रहा है कि वेरिएशन विच आर हेरिटेबल एंड मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू will enable only those to reproduce and live more progeny। ये वाला perfect answer इसका चला जाएगा जो NCERT ने लिखा है, कि बताया गया है कि विविधताएं जो वंशागत होती हैं अगली पीढ़ी में जाती हैं germinal cells, और उन variation की वजह से कुछ एक जो जीव हैं वो अपने आसपास के resource को अच्छे तरीके से उपयोग में लेते हैं, और इससे उन्हें जो है वो उस दौरान अगर अपने रिसोर्स को अच्छा यूज कर रहे हैं तो वो अच्छे योग्य हो गए, वो फिट हो गए, और जो फिट होंगे वो प्रजनन करेंगे और अधिकाधिक संख्या में संततियां छोड़ते जाएंगे। भाई जिनमें अच्छी वेरिएशन होंगी वो सर्वाइव करेंगे, वो अपने आसपास के रिसोर्स प्राकृतिक स्रोतों का अच्छा उपयोग करेंगे, और जो फिट नहीं है वेरिएशन की कमी से वो खत्म हो जाएंगे, और जो बच गए फिटनेस की वजह से अब वो रिप्रोडक्शन करेंगे और
अपने जैसी नई संतान उत्पन्न कर देते हैं। इस तरीके से ये जो एक अच्छा आइडिया था डार्विन के वर्क के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा नंबर 4। ओके, तो डार्विन ने वेलेस से इन्फ्लुएंस होकर के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक ऑर्डर दिया था, जिसको आपको याद रखना कि सबसे पहले जीव ओवर प्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम नंबर में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना। तो ओवर प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर जनन जो है वो तेजी से होगा, तो सबसे पहले जनन को लेना है, तो यानी इसको ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर देखो कि जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर प्रकृति में रिसोर्स तो लिमिटेड है, अभी मैंने बताया था। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन का साइज है उसको कॉन्स्टेंट बनाया रखना जाएगा, और उस दौरान जीवों के अंदर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, संघर्ष होगा, और उस संघर्ष की वजह से उनके अंदर क्या पैदा होगी, वेरिएशन, और उन वेरिएशन की वजह से अब वो फिट हो जाएंगे, और फिट होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट जा रहा है। इनको चेक कर लेते हैं कि ओवर प्रोडक्शन के बाद ही नेचुरल सिलेक्शन हो गया, नहीं, और बाद में ये हुआ नहीं, ये पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो गया, ओवर प्रोडक्शन के बाद में वेरिएशन, और वेरिएशन के बाद में ये दे रखा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, फिर टोटल नंबर रिमेन कॉन्स्टेंट होगा, है ना, और उसके बाद में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसके बाद में अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर नेचुरल सिलेक्शन, और फिर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, और फिर है स्पीशिएशन। ये मैंने इसको और एक्स्ट्रा स्टेप के अंदर बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप के साथ इसको दिया हो तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेमार्किज्म के लिए है, तो लेमार्किज्म के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, डार्विन से पहले ही नेचुरल सिलेक्शन के लिए उन्होंने वर्क किया था, ये भी एनसीईआरटी लिख रखा है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, जीवों के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, एक अंत प्राण शक्ति होती है, जिसकी वजह से अगर वो चाहें तो अपने उनके अंदर नई संरचना विकसित हो सकती है, उनके ऑर्गन का साइज बढ़ सकता है, ये बताया गया। फिर जीवों के ऊपर एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। जीव जो हैं वो अपने एक्वायर्ड करेक्टर को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, ये भी सही है। और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी उन्होंने बताया था कि जिस ऑर्गन को यूज करेंगे वो अधिक विकसित होगा, जिसको यूज नहीं करेंगे वो कम विकसित होगा, वो विलुप्त हो जाता है, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सारे ही करेक्ट हो गए, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, इवोल्यूशन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस, इट इज ए जर्की एंड ए डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज द पंच लाइन। अब देखो कि जो इवोल्यूशन की जो थ्योरीज थी उसके लिए लेमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो ह्यूगो डिवरीज ने दी, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इवनिंग प्रिमरोज पादप को यूज किया, जिसको ओइनोथेरा लेमार्किया ने भी कहते हैं। और डार्विन और ह्यूगो डिवरीज ने बाद में वर्क करके अपनी अपनी जो वेरिएशन थी उनके लिए बात की थी, कि एक तो अगर हम लोग बात करें डार्विन वेरिएशन, और एक हम लोग म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो डार्विन वेरिएशन जो थी वो स्मॉल थी, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग, ह्यूगो डिवरीज के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन उत्पन्न होती है वो लार्ज होती है। यहां पर वेरिएशन जो वो इकट्ठा होती है, वेरिएशन एक्यूमुलेशन जनरेशन टू जनरेशन, इसके अंदर बताया गया डार्विन के अकॉर्डिंग कि वेरिएशन इकट्ठा होती जाती है, और एक दिन इतना ज्यादा होती हो जाती है कि नई स्पीशीज बन जाती है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन एक्यूमुलेट नहीं होती है। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, वेरिएशन बड़ी उत्पन्न होती है और अचानक एक नई स्पीशीज का निर्माण कर देती है। इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन जो है वो डायरेक्शनल है, दिशात्मक, और ये वाली जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, अदिशात्मक। ये जो है वो कॉन्टिन्यूस सतत, और ये वाली है डिसकॉन्टिन्यूस असतत। ये वाली जो है इसको बोलते हैं नॉन रैंडम, अयादृच्छिक, और ये वाली जो होती है वो है रैंडम, ठीक है ना। तो दोनों ने इसके लिए अपने अपने मत जो है वो रखे थे। तो यहाँ पे देखें कि ये जो इवोल्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिसकॉन्टिन्यूस है, और झटके के साथ जो ये आगे बढ़ता है,
और जुड़ने की एक ही दिशा में बढ़े वापस फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो ये जो पंच लाइन है वो म्यूटेशन जो थ्योरी है उससे संबंधित है, सिंथेटिक थ्योरी नहीं, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क वाली नहीं, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन वाली उससे नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, सेकंड। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यू डिवरीज स्टडीज म्यूटेशन अभी अभी मैंने आपको बताया, ये पादप नहीं, ये एनिमल नहीं, इस पे तो मॉर्गन ने वर्क किया था। इवनिंग प्रिमरोज पादप है या ओइनोथेरा लैमार्की है ना, वो भी याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब एनसीईआरटी ने आप लोग उस पेज पे आ जाए जहां पर ब्रीफ रिव्यू की बात हुई है, दो डायग्राम दे रखे हैं प्लांट के एवोल्यूशन का, एनिमल के एवोल्यूशन का, उसके नीचे कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रखे, उन पे बने हुए ये क्वेश्चन है। तो देखें, रेप्टाइल के लिए कलाएं लिखे कि फिश जैसे बड़े रेप्टाइल जो 200 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वो कौन थे, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है एक थायोसोरस, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, सीधा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से। ओके, फिर वहीं पे एनसीईआरटी ने ब्रीफ रिव्यू में कुछ डेटा लिखे हैं। सबसे पहले देखो 2000 मिलियन ईयर पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की बात की गई है, फिर ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की बात की गई है, फिर सेलुलर फॉर्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, फिर इनवर्टिब्रेट्स की बात की गई है जिसमें 500 मिलियन ईयर का डेटा है, 500 मिलियन ईयर पहले इनवर्टिब्रेट इवॉल्व हुए, फिर जो लेस वर्टिब्रेट की बात हुई है 350 मिलियन वाला डेटा है, फिर जो है कुछ जो प्लांट्स वगैरह उनके रेस्पेक्ट में विड्स वगैरह के बारे में बात हुई है ना, और उसके बाद में जो है एक लॉब फिन सिलोकेंथी के लिए बात हुई है ना, ऐसे इस तरीके से आप लोग जब पढ़ते जाएंगे तो वो एक ब्रीफ रिव्यू दे रखा है शुरुआती जीवों से लेकर मैमल तक का, तो उसी से रिलेटेड डेटा पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो जो लेस मछलियां जबड़े रही जो मछलियां बनी थी वो 350 मिलियन ईयर पहले बनी थी, बिल्कुल सही है ये। लॉन्ग फिन जिसको सिलोकेंथी कहते हैं, जो बोनी एक टाइप की बोनी फिश है और ये एम्फीबियन का पूर्वज माने जाते हैं, ये 350 मिलियन ईयर पहले इवोल्व हुई। सी विड्स के लिए एनसीईआरटी लिखा है 320 मिलियन ईयर पहले, और इनवर्टिब्रेट्स के लिए एनसीईआरटी ने 500 मिलियन लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा था 700, इसलिए ये वाला यहाँ पर जो है आपका वो रॉन्ग मैच हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 66 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। चले आए, ओके, वही सी ये क्वेश्चन है सिलोकेंथ के लिए कि 1938 सिलोकेंथ वाज फाउंड, तो और वो कहाँ से मिली थी, साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है, वहां पर नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, चले आगे। ओके, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड द लैंड वर्ल्ड, सबसे पहले जीव जो पानी से धरती के ऊपर आए थे टेरेस्ट्रियल पे वो प्लांट थे, और प्लांट पूरा डाइवर्सिफाई हो गए उसके बाद में धरती के ऊपर पानी से एनिमल आए थे। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपको याद रखना प्लांट्स। चले, तो इसका आंसर हो गया 4। विच इज मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस, हमारे उद्विकास से रिलेटेड है, हमारे इवोल्यूशन के दौरान हमारे अंदर कई चेंजेस आए थे, हमारे स्केल्टन से रिलेटेड चेंजेस आए थे, हम लोग बाइपेडलिज्म से क्वाड्रुपेडलिज्म से बाइपेडलिज्म, चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने वाले हो गए, हमारा निचला जबड़ा छोटा हो गया, दांतों की संख्या कम हो गई, क्रैनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, और इसके अलावा चेहरे में भी कई परिवर्तन आए, वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ कम हो गई, ट्रंक की लेंथ कम हुई, और जो थोरेसिस भाग था वो चौड़ा हो गया, फोरामेन ऑफ मैग्नम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया जिससे हमारी स्कल वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डल एक एक्सिस में आ गया है ना, और भी कई परिवर्तन संरचनात्मक हमारे शरीर के अंदर आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो था वो आपको याद रखना है कि हमारा जो क्रैनियल कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। क्रैनियल कैपेसिटी का बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, ये क्वेश्चन जो है वो पहले के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आपको पूछा हुआ भी है। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे अंदर आया है वो क्या है, हमारी इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा 4। ओके, डायनासोर डिसेंडेंट फ्रॉम, अब एनसीईआरटी के अंदर जो प्लांट और एनिमल का ब्रीफ व्यू में डायग्राम दे रखा है उसके भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, तो उसमें पूछ रखा है कि डायनासोर किससे बनते हैं, तो वहां पर देखो कि कॉमन, देखो फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने,
रेप्टाइल्स से, रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड्स और मैमल का कॉमन एंसेस्टर है, और उस कॉमन एंसेस्टर से साइरोप्सिड साइनेप्सिड बने, साइनेप्सिड से जो है वो पेलेकोसोरस बने, पेलेकोसोरस से थेरेप्सिड बने, और थेरेप्सिड से आज वाले मैमल बने। तो मैमल का सबसे नज़दीकी पूर्वज कौन है? थेरेप्सिड। साइरोप्सिड से फिर थिकोडोंट बना, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, और उस थिकोडोंट से जो है क्रोकोडाइल इवोल्व हुए, और उससे डायनासोर और बर्ड्स भी इवोल्व हुए। ठीक है, तो आप लोग देखें कि डायनासोर डिसेंडेंट फ्रॉम, डायनासोर के पूर्वजों से उद्गमित हुए। डायनासोर किन पूर्वजों से? तो साइनेप्सिड उनसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि साइनेप्सिड से पेलेकोसोरस बना था, पेलेकोसोरस से थेरेप्सिड बने थे, और इससे तो मैमल बने थे, है? लेकिन थिकोडोंट जो है, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो डायनासोर के पूर्वज थे। ठीक है, तो 170 के अंदर आंसर हो गया सेकंड। ओके, डार्विन वेरिएशन अभी भी बता दी थी आपको मैंने, तो डार्विन वेरिएशन छोटी छोटी होती है। जैसे मैं कहूं कि टाइम और फिर वेरिएशन, तो टाइम T1 पर मान लो वेरिएशन 3 है, टाइम T2 पे किसी जीव में वेरिएशन 4 है, टाइम T3 पे, जैसे यहाँ पर ये है स्पीशीज, स्पीशीज S1, टाइम T1 पर वेरिएशन 3 है, स्पीशीज वही S1 टाइम T2 पे वेरिएशन 4 है, स्पीशीज S1 टाइम T3 पे वेरिएशन 5 है, टाइम T4 पे स्पीशीज S1 में वेरिएशन 8 है, और टाइम T5 पर जैसे ही 10 वेरिएशन हुई तो स्पीशीज S1 से S2 हो गई। तो डार्विन ने यही समझाया कि समय के साथ साथ छोटी छोटी विभिन्नताएं जीवों में एक्यूमुलेट होती जाती, इकट्ठी होती जाती, और एक दिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक नई स्पीशीज में बदल जाता है। ठीक है ना, तो डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन छोटी होती है, लेकिन डायरेक्शन लेस नहीं, वो डायरेक्शनल होती, तो गलत हो गया, रैंडम नहीं होती, नॉन रैंडम है, छोटी छोटी होती है, डायरेक्शनल। ये अभी आपको मैंने समझाया था, यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंडम नहीं है, डायरेक्शन लेस नहीं है, तो 171 के अंदर आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम बाय मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, अब हार्डी विनबर्ग के लिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। न्यू डार्विनिज्म में हार्डी विनबर्ग ने बताया कि एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन सब इंडिविजुअल के एलील और उनके जो जीन हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। और ऐसी पॉपुलेशन जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, वो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करती है। तो कह सकते हैं कि अनुवांशिक साम्य में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो नॉन इवॉल्विंग है, उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। तो हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी पॉपुलेशन को अनुवांशिक साम्य में, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में अगर रहना है तो क्या क्या शर्तें हैं? पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज बड़ा हो, रैंडम मैटिंग हो, यादृच्छिक प्रजनन हो, मतलब उस पॉपुलेशन के सभी सदस्यों को प्रजनन का बराबर मौका मिले, क्योंकि उनकी मृत्यु से पहले अगर वो प्रजनन कर लेंगे तो उनके एलील अलग जगह दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे ना, और वो उस दूसरी पीढ़ी के रूप में पॉपुलेशन में जिन रहेंगे। अगर प्रजनन का मौका नहीं मिला तो उनकी डेथ हो जाएगी और उनके एलील उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। तो मैटिंग रैंडम होनी चाहिए, फिर म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन नहीं हो, नो नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक वरण भी ना हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अनुवांशिक विचलन भी ना हो, नो जीन माइग्रेशन, नो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो भी नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो कोई अंदर आए और नहीं कोई पॉपुलेशन के बाहर जाए, तभी पॉपुलेशन जो अनुवांशिक समय में बरकरार रहती है। तो ये उसकी शर्तें थी। तो यहाँ पे देखें कि द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेक इट डिस्टर्ब्ड, कि जनसंख्या के अनुवांशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा बाधित हो सकती है? तो देखें, रैंडम मेटिंग से तो बाधित नहीं होगी, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, कि रैंडम मेटिंग की कमी, इसकी वजह से बाधित हो सकती है, कि रैंडम मेटिंग ना हो तो पॉपुलेशन जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो ये आंसर हो गया, लैक ऑफ म्यूटेशन, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, सही कह रहा है ये, लैक ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की कमी, देखो म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए और माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, ये सही है। तो उत्परिवर्तन की कमी होगी तो पॉपुलेशन आनुवांशिक समय में रहेगी,
गमन प्रवास की कमी पॉपुलेशन समय में रहेगी, यादृच्छिक प्रजनन पॉपुलेशन समय में रहेगी, लेकिन अगर यादृच्छिक प्रजनन की कमी होगी तब पॉपुलेशन समय में नहीं रहेगी। और वो जो इक्वेशन थी ना पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का जो टोटल वन आ रहा था अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये टूल है जिसे वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओके, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस की बात हो रही है रेदर देन बाई नेचुरल सिलेक्शन। तो आप देखें कि वहां पे लिखा है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? अनुवांशिक विचलन, कि सडनली किसी छोटी पॉपुलेशन में जीन की फ्रिक्वेंसी में रैंडम परिवर्तन हो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अचानक किसी छोटी पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति में बदलाव अनुवांशिक विचलन कहलाता है, और इसको बॉटलनेक प्रभाव और फाउंडर इफेक्ट से समझाया जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है इसको। तो बाय चांस जो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है बेटा। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन की एक पॉपुलेशन है, एक जियोग्राफिकल एरिया वन है, यहाँ की पॉपुलेशन के कुछ जो सदस्य थे वो इस पॉपुलेशन को, उस सदस्य इस पॉपुलेशन को छोड़ करके एक नए जियोग्राफिकल एरिया में आ गए, और फिर एक जियोग्राफिकल बाधा पानी की वजह से वो किसी कारणवश वापस लौट के नहीं आ पाए, और इनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर एक जियोग्राफिकल बैरियर के रूप में स्थापित हो गया। यहाँ पर अलग पर्यावरण परिस्थितियाँ थी, लंबे टाइम तक यही रहे, वापस नहीं जा पाए, कोई म्यूटेशन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर वेरिएशन आए, आने से रिप्रोडक्टिव बाधा आ गई। जैसा जीवों के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पास्ट के अंदर हुआ भी है। तो आप लोग देखें कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज कि भौगोलिक विलगन का कौन सा एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। तो देखें भौगोलिक विलगन से तो स्पीशिएशन बढ़ता है, पर ये क्या कर रहा है? रोक रहा है, तो गलत हो गया। स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये परफेक्ट हो जाएगा कि भौगोलिक आइसोलेशन की वजह से वो इधर आ भी नहीं पाएंगे, इसलिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया। ठीक है ना? और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अगर आ जाता है तो स्पीशिएशन हो जाएगा, नई प्रजाति का निर्माण हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए दो। ये देखते हैं कि स्टॉप नेचुरल सिलेक्शन, नहीं, इससे ये नेचुरल सिलेक्शन को रोकता नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी नहीं रोकता है। तो परफेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे है सेकेंड है, क्योंकि इस तरीके से जो मूवमेंट है इसको आप लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट में पढ़ते हो। फाउंडर इफेक्ट, इसके अंदर किसी पॉपुलेशन के कुछ सदस्य एक टापू पे चले जाते हैं, एक अलग जियोग्राफिकली आइसोलेटेड क्षेत्र में, और फिर वापस लौट के नहीं आ पाते हैं ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तो वहाँ पे हो ही रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि प्रिवेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये गड़बड़ हो गया। तो इसमें आंसर जाना चाहिए आपका कौन सा? सेकेंड। ठीक है, चलो। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के फिगर से। तो यहाँ पे देखिए कि ऑल एग्जिस्टिंग रेप्टाइल विद एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल आर डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ, आप लोग देखिए कि अर्ली रेप्टाइल था उससे जो था एक तो बना सेरोप्सिड और एक बना साइनेप्सिड, एक तो सेरोप्सिड और एक साइनेप्सिड। साइनेप्सिड प्लेकोसोरस, थेलेप्सिड और फिर मैमल हमारी एवोल्यूशन की लाइन है, और इस सेरोप्सिड से टर्टल सीधा बना और कई लाइनें गई और वो इवोल्व हुई। एक लाइन इस सेरोप्सिड से जो इवोल्व हुई उसमें थिकोडोंट बना, थिकोडोंट से डायनासोर बना, और इससे थिकोडोंट से फिर डायनासोर क्रोकोडाइल बना, और फिर इससे डायनासोर और बर्ड्स भी इवोल्व हुए। तो आप लोग देखें कि ऑल एग्जिस्टिंग रेप्टाइल, मतलब वो सारे रेप्टाइल जिंदा हैं एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, किससे? सीधे बने हैं, तो सीधे वो तो इससे बने हैं सेरोप्सिड से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, क्योंकि साइनेप्सिड से तो ये तो हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो ये होना नहीं है, और डायनासोर होना नहीं है क्योंकि तो वो अलग है, और थिकोडोंट जो है उनसे तो डायनासोर क्रोकोडाइल और बर्ड इवोल्व है। समझ में आया? अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो।
ये लो, एनसीईआरटी का फिगर है ये, और फिगर है ये 7.10। इसमें आप लोग देखिए कि अर्ली रेप्टाइल 350 मिलियन ईयर पहले, और इस अर्ली रेप्टाइल से एक बना साइनेप्सिड, एक बना सेरोप्सिड। साइनेप्सिड से बने प्लेकोसोरस, जो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट है। प्लेकोसोरस से बना थेरेप्सिड, नहीं है, खत्म हो गया, और इससे बने मैमल। तो मैमल का सबसे नजदीकी पूर्वज कौन है? ये वाला क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मैमल। मैमल का सबसे नजदीकी पूर्वज है ये थेरेप्सिड। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो ये आंसर लगा है। फिर आप देखें कि इस सेरोप्सिड से, ये वो, ये देखो सेरोप्सिड, इसको एक बार मैं हटा देता हूं, ये देखो, ये जो सेरोप्सिड है इससे एक लाइन सीधी गई है टर्टल, यानी काफी टाइम पहले ही वो हुए, आज भी वैसे के वैसे ही, तो वो है लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेसिजेनेसिस। और फिर आप लोग देखें कि इस सेरोप्सिड से बना थिकोडोंट, और इस थिकोडोंट से जो है वो डायनासोर, सॉरी क्रोकोडाइल बने, और इस सेरोप्सिड से, सॉरी इस थिकोडोंट से ही डायनासोर जो खत्म हो गए और बर्ड्स इवोल्व हुए, ठीक है ना। लेकिन इस सेरोप्सिड से दूसरे जो इवोल्व हुए, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, टेरोटोरस, ये सब आप लोग देखें ये डायरेक्टली सेरोप्सिड से बने हैं। लेकिन जो क्रोकोडाइल है, जो जिंदा है, वो डायरेक्टली इससे नहीं बना है, वो थिकोडोंट से इवोल्व हुआ। तो अब आप लोग एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में दोबारा देखें कि ऑल एग्जिस्टिंग रेप्टाइल विद एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल आर डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ, तो वो सारे के सारे डायरेक्टली किससे डिसेंड हुए? सेरोप्सिड से। क्योंकि जो क्रोकोडाइल है वो किससे डिसेंडेंट हुआ है? वो थिकोडोंट से हुआ। इसलिए आंसर इसके अंदर जो है क्या जाना चाहिए आपका? सेरोप्सिड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है कि इन द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, द प्लांट दैट इवोल्व इज ए डिसेंडेंट ऑफ, मार्क गायब हो गया, इन द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, द प्लांट दैट इवोल्व इज ए डिसेंडेंट ऑफ सिलोफाइटोन, जो सिलोफाइटोन से बने हैं, एंड एंसेस्टर ऑफ सीड फर्न, जो सॉरी इन द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, द प्लांट दैट इवोल्व इज ए डिसेंडेंट ऑफ सिलोफाइटोन, कि ऐसे प्लांट जो सिलोफाइटोन से इवोल्व हुए और वो सीड फर्न के एंसेस्टर है, वो कौन से हैं और वो किस टाइम से रिलेटेड है? तो आप लोग देखें कि ये प्रो जिम्नोस्पर्म है और ये डिवोनियन टाइम के अंदर डोमिनेट थे। देखें पौधे के विकास में, पौधे जो साइलोफाइटोन के वंशज हैं, यानी जो साइलोफाइटोन से बने हैं और बीज फर्म के वो पूर्वज हैं, कि उनसे बीज फर्म बने, तो वो प्रोजिम्नोस्पर्म है और वो डिवोनियन पीरियड के अंदर डोमिनेंट थे, ठीक है, समझ आया? अगर नहीं है तो एक बार इधर देख लो, ये देखो कि प्रोजिम्नोस्पर्म, इनके पूर्वज कौन है? सिलोफाइटोन, और ये देखो डिवोनियन टाइम, और प्रोजिम्नोस्पर्म से कौन बने? सीड फर्न। जी समझ आई ना आपको? तो एक तो ऑर्डर आपको ये याद रखना है कि शुरुआती जो प्लांट का ओरिजिन है, सबसे पहले क्लोरोफाइट, फिर ट्रेकियोफाइट, फिर राइनिया टाइप, और फिर सिलोफाइटोन आए। फिर क्लोरोफाइट से जो इवोल्व हुए ब्रायोफाइट्स, कब हुए? कार्बोनिफेरस के अंदर, आज भी है। और ट्रेकियोफाइट से इवोल्व हुए जो स्टेरोफाइलम, कब डोमिनेट थे? डिवोनियन और सिलोरियन में। इनसे लाइकोपोड बना, अर्बोरिसेंट परमियन तक था, बाद में खत्म हो गया, और हर्बेसियस आज भी है। और फिर सिलोफाइटोन से प्रोजिम्नोस्पर्म, उसे सीड फर्न, उसे साइकिड, और बाकी के डाइकोड, मोनोकोड वगैरह इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो यही जो हमारा क्वेश्चन था, यहीं से आपको पूछा हुआ था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चले आगे। चलो अब कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि सबसे पहले जो था प्रियर टू एपमेंट ड्रायोपिथिकस था, शिवापिथिकस था, रामापिथिकस था,
और फिर एपमैन के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, होमो एबिलिस था, फिर होमो इरेक्टस था, इरेक्टस के अंदर जावामैन, पैकिंग मैन, हेडेलबर्ग वगैरह थे, और फिर जो मॉडर्न मैन था होमो सेपियंस, उसके अंदर आपका नियंडरथल था, क्रोमैग्नॉन था, और फिर होमो सेपियंस सेपियंस हम लोग थे, है ना। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। तो गलत स्टेटमेंट जो है उसके अंदर देखिए कि द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वाज 800 to 1000, नहीं, ये 650 to 800 cc था। इसका मतलब है कि ये वाला जो है यहाँ पर क्या हो गया है, गलत हो गया है। फिर अगला देखिए, अबाउट 15 MYA प्राइमेट कार्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। फिर रामापिथिकस जो है वो हमारे ज्यादा जैसे ज्यादा नजर आ रहे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है ये दोनों। फिर सबसे पहले फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, मैन का सबसे पहला पूर्वज जिसने फायर का यूज किया वो कौन थे, होमो इरेक्टस, ये भी परफेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा तो 177 के अंदर इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है, ओके, चले आएंगे। शानदार क्वेश्चन, उम्मीद है सब लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। इसको बड़ा क्वेश्चन था तो दो स्लाइड के अंदर मैंने आपको मैं इसको एक्सप्लेन करा। सबसे पहले ये, उसके जस्ट नेक्स्ट इनके जो नीचे है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रकृति जीवों के जो लक्षण है उनको जो चयन करती है नेचुरल सिलेक्शन, वो तीन तरीके से करती है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग जो सिलेक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जैसे ओरिजिनल कर्व ये है, ओरिजिनल ये वाला है, तो इसमें जब स्टेबलाइजिंग चयन होगा तो इसका मतलब है कि पेरिफेरल, ये तो है पेरिफेरल और ये इंटरमीडिएट, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो होगा उसमें मध्यवर्ती का चुनाव ज्यादा होगा, इंटरमीडिएट का ज्यादा होगा, इसलिए ये जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर उठ जाएगा और बाहर से दोनों तरफ से अंदर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें कि अगर डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा तो ये कर्व या तो एक इस दिशा में जाएगा या फिर इस दिशा में जाएगा, यानी या तो ये ज्यादा सेलेक्ट होगा या ये ज्यादा सेलेक्ट होगा डायरेक्शनल में। और डिसरप्टिव में क्या होगा कि दोनों पेरिफेरल ज्यादा सेलेक्ट होंगे और इंटरमीडिएट कम होंगे, इसलिए ग्राफ जो बीच में से गिर जाता है और साइड से ऊपर उठ जाता है। तो ये स्टेबलाइजिंग है, ये आपका डायरेक्शनल है और ये वाला डिसरप्टिव है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी और सी को हमें जो है करेक्टली आइडेंटिफाई, मतलब इसमें पूछा गया सेलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन बिलो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट, विभिन्न लक्षणों पर प्राकृतिक चयन के संचालन के आरेख के निरूपण के लिए नीचे दिए गए गलत विकल्प का चयन करना है। ओरिजिनल कर्व ये है और प्रकृति इन तीन तरीके से जब चयन करती है तो इस ओरिजिनल कर्व में इन तीन तरीके से बदलाव आता है, और कौन सा एक बदलाव गलत हम लोगों ने शो किया है उसको देखो पहचानो। तो ये वाला इनकी सीध के अंदर हम लोग देख लेते हैं, तो ए वाला जो है वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा, उसमें क्या होगा पीक गेट हायर एंड नेरोवर, जो पीक है वो नेरो हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी, सही है कि शिखर ऊंचा और संकरा हो जाएगा, ओरिजिनल जो ये था अब शिखर और ऊंचा हो गया और संकरा हो गया, ये सही। फिर पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, बिल्कुल सही है कि शिखर एक दिशा में खिसक जाएगा, ये देखो कि इस चयन की वजह से शिखर एक डायरेक्शन में जा रहा है और स्टेबलाइजिंग की वजह से पीक ऊपर जा रहा है और ये नेरो हो रहा है, ठीक है ना। फिर देखें टू पीक फॉर्म, इसके अंदर दो शिखर बनते हैं अगर डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, ये देखो दो पीक बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यानी इसका मतलब है ए बी और सी को फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड देखते हैं, स्टेबलाइजिंग चयन बिल्कुल सही है, ये स्थाई कारक प्रकार का स्थाई कारक की जगह आप लोग प्रकार याद रखना, स्थाई प्रकार का चयन है, और फिर डायरेक्शनल टाइप दिशात्मक प्रकार का है, बिल्कुल सही है, और ये वाला डिसरप्टिव प्रकार का है, विदारक प्रकार का, ये भी सही है, ओके। अब आप लोग देखिए तीसरे वाला कि ए के अंदर अगर हम लोग देखें तो मध्यवर्ती मीन करेक्टर वैल्यू का चयन ज्यादा होगा
और पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू का सिलेक्शन कम होगा। इसमें कोई एक पेरिफेरल कैरेक्टर का चयन सिलेक्शन ज्यादा होगा और इसके अंदर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू ज्यादा सिलेक्ट होगी और मेन कैरेक्टर वैल्यू कम सिलेक्ट होगी। इंग्लिश में तो एनसीईआरटी ने अच्छे से लिख रखा है, हिंदी में इसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें कि इसके लिए ये वाली जो बातें हैं वो हिंदी की एनसीईआरटी में कम लिखी हुई है, इंग्लिश में ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखें, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मेन कैरेक्टर वैल्यू, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मेन कैरेक्टर वैल्यू, की मेन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा कोई दूसरी वैल्यू कलेक्ट सेलेक्ट होती है, लेकिन ये वाली तो इसके लिए होती है क्योंकि कोई एक वैल्यू यानी या तो इस तरफ वाली या इस तरफ वाली, यानी ये डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए है। इसका मतलब है कि ये वाला तो गड़बड़ हो गया। फिर देखा मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू, कि अधिकतम इंडिविजुअल जो मीन करेक्टर वैल्यू जो है उसको एक्वायर करेंगे, यानी स्टेबलाइजिंग की बात हो रही है, यानी ये वाला इसका होना चाहिए था, ये वाला इसका होना था, उल्टा कर दिया, ये वाला गड़बड़ हो गया। फिर ये देखिए, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों तरफ जो हैं इंडिविजुअल दोनों तरफ की कैरेक्टर वैल्यू को प्राप्त करते हैं, ये तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड वाला है ना इनको उल्टा कर दिया, इस वजह से ये वाला गड़बड़ हो गया। ये देख लेते कि स्टेबलाइजिंग चेन की बात करें तो अफ्रीका के अंदर सिकल सेल एनीमिया के जो वाहक होते हैं हेट्रोजाइगस, उनका चेन ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट का, क्योंकि मलेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम आरबीसी को यूज़ करती है, और अगर कुछ आरबीसी सिकल से अब है तो उनके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो परफेक्ट हो जाएगा स्टेबलाइजिंग के लिए। इंडस्ट्रियल मिलनिज्म या तो एक बार में डार्क है या लाइट है मोथ, तो ये डायरेक्शनल का एग्जाम्पल है। और किसी जंगल में या तो लंबे प्लांट है या छोटे प्लांट है, यानी इंटरमीडिएट प्लांट नहीं है, इसका मतलब पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू दोनों आ रही है, या तो लंबे प्लांट है या बोने हैं, इंटरमीडिएट नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी आपका परफेक्ट है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बनाया हुआ था आपके लिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैंने मैक्सिमम प्रयास किया कि पूरे कॉन्सेप्ट आपके डीटीएस के इन 90 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के क्लियर हो, उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की गई है, ठीक है। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो उसकी बात करते हैं, चूज एन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन फिगर, ये फिगर जो दे रखे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है और इसके अंदर हमें करेक्ट को देखना है। तो यहाँ पर देखो कुछ स्कल दे रखे हैं, ये जो स्कल है उसमें फ्यूचर नजर आ रहे हैं, लोअर जो का साइज भी छोटा है, ये मॉडर्न ह्यूमन की है, एनसीईआरटी लिखा है मॉडर्न ह्यूमन आधुनिक मानव। ये जो स्कल है वो चिंपेंजी के बेबी की है, बेबी चिंपेंजी, और ये वाली जो स्कल है जिसके अंदर लोअर जो बड़ा है ना, ये अडल्ट चिंपेंजी के लिए जी, समझ आई। तो अब हम लोग इसके लिए करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। पहला है कि कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ अडल्ट प्रिमिटिव ह्यूमन नहीं है, ये मॉडर्न एनसीईआरटी लिखा है आधुनिक बेबी ह्यूमन, बेबी ह्यूमन बीइंग, उसके बाद बेबी चिंपेंजी एंड अडल्ट चिंपेंजी, ये तो ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव की वजह से ये वाला गलत हो गया, इसकी जगह ये आना था, ठीक है ना, आदिम मानव की जगह मॉडर्न आता। फिर देखें कि जो द स्कल ऑफ बेबी चिंपेंजी ये वाली हैज मोर क्रैनियल कैपेसिटी देन ह्यूमन, नहीं, यहाँ पर क्रैनियल कैपेसिटी ज्यादा होगी और इनमें क्रैनियल कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर द स्कल ऑफ अडल्ट चिंपेंजी ये वाली हैज लेस टीथ देन अडल्ट ह्यूमन, की इसमें इसकी तुलना में टीथ कम है, नहीं, यहाँ पर टीथ ज्यादा है, वहां पर टीथ ज्यादा, देखो जबड़ा बड़ा है, टीथ यहाँ पे ज्यादा है पर यहाँ पर कम है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, कम हो गया, लेस की जगह क्या आता, मोर आता। फिर ये देखें कि द स्कल ऑफ बेबी चिंपेंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन बीइंग, की ये स्कल इसकी तरह ज्यादा नजर आ रही है कंपेयर टू अडल्ट, ये वाले देखो इसमें लोअर जो बड़ा है, इसमें लोअर जो बच्चे का चिंपेंजी के ह्यूमन की स्कल के तरह ही है, तो ये वाला आंसर अपना यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देखना है। पहला देखिए कि नियंडरथल मैन विद ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी फर्स्ट यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बेबी
their body and buried their dead. कि 1400 सीसी के मस्तिष्क आकार के साथ नियंडरथल मानव जो था वो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बालों खालों का इस्तेमाल करता था और अपने मृत तक जो बॉडी थी उनको दफनाने से संबंधित था. एनसीईआरटी की लाइन है, परफेक्ट है. फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए नॉन रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी. जेनेटिक ड्रिफ्ट तो रैंडम चेंज होता है जीन फ्रीक्वेंसी में, और पॉपुलेशन जो थी वो छोटी होती है, तो नॉन रैंडम की जगह यहाँ पे क्या आना था, रैंडम. ये गड़बड़ हो गया, पूछ रहा क्या है, फॉल्स पूछ रहा, तो ये आंसर हो गया. और देख चेक कर लेते हैं कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू लार्ज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है. और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा, ये वाला जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होगा, स्मॉल पॉपुलेशन, छोटी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है. ओके, फोर्थ ऑप्शन, ड्रायोपिथिकस एंड ड्रामापिथिकस वर हेरी एंड वॉल्प लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, इनकी बॉडी के ऊपर बाल थे और वो क्वाड्रिपेडलिज्म के थ्रू जो है चलते थे. तो ये भी लाइन एनसीईआरटी की, ये भी परफेक्ट है. तो 180 के अंदर आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सही. ओके, तो इस तरीके से ये पूरे 90 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इवोल्यूशन के कंप्लीट हो गए. आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छा एंजॉय किया होगा. और अगर आप लोगों ने ये पूरे 180 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की पूरी एनसीईआरटी में ये विश्वास से कह सकता हूँ आप क्लियर हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है. मिलते हैं फिर आगे, बेस्ट ऑफ लक.